Okay, so in last class we studied about how to reduce or increase friction. Friction के बारे में हमने पढ़ा और ये देखा कि friction के क्या फायदे हैं, क्या ज़रूरतें हैं हमारे लिए friction की, और ज़रूरत के अनुसार हम जिस तरह का हमें ज़रूरत है जैसा इस्तेमाल करना है, friction को कैसे हम घटा सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं. Okay. फ्रिक्शन क्यों हम घटाते हैं? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन? हाँ, कहने का मतलब है कि मूविंग पार्ट्स के बीच में या मूविंग सरफेसेस के बीच में जो है, ताकि डैमेज ना हो या ज़्यादा इफेक्टिव मोशन हो, उसके लिए हम फ्रिक्शन घटाते हैं. जहाँ मोशन हो रहा है सरफेसेस के बीच में या जो चीज़ें कांटेक्ट में, तो उनके बीच में नुकसान न हो फ्रिक्शन की वजह से, घिसने की वजह से, जिसे आप एब्रेशन कहा जाता है. इरोजन का एक स्पेशल है एब्रेशन, जब घिसाव से होता है तो उसको एब्रेशन कहते हैं. तो एब्रेशन से किसी तरह का डैमेज ना हो या उसमें रुकावट ना हो मोशन में, ठीक है, मोशन को और अच्छा स्पीड अप करने के लिए, एनहेंस करने के लिए हम फ्रिक्शन घटाते हैं. और उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन? ल्यूब्रिकेंट्स, उसको हम पूरे कैटेगरी को क्या बोलते हैं? ल्यूब्रिकेंट्स. और ल्यूब्रिकेंट्स में क्या क्या है? ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट, ठीक है, एयर और वाटर, इनका भी इस्तेमाल होता है. ठीक है, तो कई तरह की चीज़ें हैं. ऑयल कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, ग्रीस होता है, और जहाँ ये सब नहीं हो सकता वहाँ एयर भी होता है, वाटर होता है, और कई तरह के ग्रेफाइट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं. हाँ, पाउडर के रूप में यूज़ होता है. तो ऑयल कहाँ कहाँ आपने इस्तेमाल देखा है? वेयर हैव यू सीन ऑयल का इस्तेमाल? मशीन्स, हाँ मशीन्स में होता है, टूल्स में होता है, व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, सबसे ज़्यादा व्हीकल्स और ऑटोमोबाइल्स में होता है. ठीक है, इसलिए आप देखिए गाड़ियों में इंजन ऑयल या मोबिल डाला जाता है, तो वो इसीलिए होता है कि ताकि जो मूविंग पार्ट्स हैं उसके, उसमें आपस में फ्रिक्शन ना हो. फ्रिक्शन की वजह से क्या हो सकता है? देखिए, एक मशीन है या ऑटोमोबाइल है, तो एक तो वो घिसने की वजह से गर्म हो जाता है, पता है आपको, तो गर्म होने से आग भी लग सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है फ्रिक्शन की वजह से. हाँ, अगर गर्म हो रहा है घिस के, हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा, आग पकड़ लेगी. तो कोई भी मशीन है या गाड़ी है, आग पकड़ सकती है. तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में सोचिए कि कितना रिस्की है, कहीं कोई मशीन में अगर फ्रिक्शन हो रहा है पार्ट्स में और वो इतना गर्म हो जाएगा कि आग पकड़ लेगा, शॉर्ट कर देगा पूरे उसको, करंट शॉर्ट हो जाता है, हैवी अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करता है. तो मशीन्स हो गया या ऑटोमोबाइल्स हो गया, गाड़ियों में आप जानते हैं कि इतने सारे पार्ट्स मूव करते हैं आपस में, तो वहाँ पर आपके ल्यूब्रिकेंट की ज़रूरत पड़ती है. कहीं ऑयल का यूज़ किया जाता है, कहीं एयर का भी इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, या इस सब में भी टू व्हीलर्स हैं, ये सब में भी एयर का भी इस्तेमाल कूलिंग के लिए भी किया जाता है. कूलिंग के लिए, इंजन को ठंडा, गर्म तो होता ही है, तो उसको ठंडा करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और उसको फ्रिक्शन भी रिड्यूस करने के लिए काम करता है. तो देखिए लिखा रहता है, आप देखेंगे एयर कूल्ड इंजन लिखा रहता है. अगर आप बाइक वगैरह का देखेंगे डिटेल्स जो है, टू व्हीलर फोर व्हीलर का, तो उसमें लिखा रहता है एयर कूल्ड इंजन. ठीक है, कहीं कहीं देखेंगे लिक्विड कूल्ड इंजन लिखा रहता है, कि जहाँ लिक्विड से उसको ठंडा किया जाता है. ठीक है, तो ये सब अलग अलग तरह का मैकेनिज्म होता है इंजन्स में जो यूज इस्तेमाल किया जाता है. तो हमने देखा ल्यूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल, तो आपने कॉमन वे में सबसे कॉमन है जो हम लोग जानते हैं कि या तो जैसे पहले सिलाई मशीन वगैरह इस्तेमाल होती थी, तो उसमें घरों में इस्तेमाल होने वाली मशीन है, या फैक्ट्रीज में मशीन्स हैं, या व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, इनमें जो है ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ऑयल हो चाहे ग्रीस हो या जो.
तो यहां हम मोशन को बढ़ाना चाह रहे हैं, मोशन को और अच्छा करना चाह रहे हैं, इफेक्टिव करना चाहते हैं, इसकी वजह से हम वहां फ्रिक्शन को कम करना चाहते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन हम बढ़ाना क्यों चाहते हैं? व्हाई डू वी वांट टू इंक्रीज फ्रिक्शन? स्लिपिंग, टू अवॉइड स्लिपिंग, या कह सकते हैं टू हैव बेटर ग्रिप, ग्रिप जो है और बेहतर हो, ठीक है, सरफेस पर पकड़ अच्छी मिले, इसके लिए फ्रिक्शन हम बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स आपको हमने समझाया था? सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, सबसे बेसिक जो ह्यूमन के लिए, ये आप यूं समझिए कि जिस पर ह्यूमन बीइंग्स का इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन बीइंग्स मानव आज हम जिस रूप में हैं, ठीक है, अब हमने तो देखा नहीं लाखों साल पहले क्या हुआ, लेकिन जो थ्योरी आता है और पढ़ते हैं तो हम मानते हैं कि हम क्या थे पहले, वी वर इन फॉर्म ऑफ मंकीज और एप्स, चार पैरों पर चलने वाले, पेड़ों पर उछल के रहने वाले। तो क्यों हमारा जो सबसे ज्यादा था कि ये मंकी रेस ही क्यों इवॉल्व हुआ, उसका कारण क्या था? ये अंगूठा जो हाथ का आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये जो अंगुली और अंगूठा है, कि अंगूठा इस तरह से क्रॉस, इसकी वजह से हम होल्ड कर पाते हैं। आप देखते हैं कोई भी चीज, आप पेड़ को टहनी पकड़िएगा तो ये दोनों दो तरफ से है, समझ गए? हाँ, हमारा इतना दूरी है कि इसकी वजह से हमारा ग्रिप बढ़िया हो जाता है। बिल्ली ऐसे लटक लेगी? नहीं, उसका सब एक साथ चिपका रहता है। ये अंगूठे का जो पोजीशन देख रहे हैं, इतना गैप है, इसी ने आदमी को इवॉल्व किया, क्योंकि वो पकड़ सकता था। हर जानवर, आप बाकी जानवरों के देखिए, आपस में चिपके रहते हैं पांचों, और जिसका डेवलप है जैसे मंकी रेस का है, मंकी जो प्रजाति है उसका जो है देखिए अलग होता है, और उसकी वजह से वो डालों को अच्छे से पकड़ पाता है, किसी भी चीज को पकड़ पाता है। आप सोचिए कि ये क्या है, आप बिना अंगूठे के कोई चीज पकड़ सकते हैं? आप बिना अंगूठे के पकड़ पाइएगा? ग्रिप नहीं बनेगा। यही आपके ग्रिप को मजबूती देता है अंगूठा, क्योंकि ये दूसरी साइड से लॉक होता है। हाँ, इसमें आप नहीं पकड़ पाइएगा बहुत ज्यादा, और इतना उंगली बड़ा नहीं होता है कि आप ज्यादा, लेकिन ये इसकी वजह से आप मोटी मोटी चीजों को भी पकड़ सकते हैं। अंगूठा हमारा स्पेशल पोजीशन है मंकी रेस का, जो हमारा और ह्यूमन रेस का, इसकी वजह से। तो ग्रिप किसी भी चीज को पकड़ने की जो क्षमता है, और वो आप पकड़ क्यों पाते हैं किसी चीज को? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन ही है जो आपको किसी भी चीज को पकड़ने देता है। बिना, मैंने आपको बताया, आप कोई चीज पकड़ नहीं सकते हैं बिना फ्रिक्शन के। कैसे इस्तेमाल करिएगा किसी भी चीज को जब उसको आप पकड़ ही नहीं पाइएगा? आज आपका पकड़ने का ग्रिप इतना बढ़िया हो गया है कि आप बिल्कुल महीन से आप पेन को पकड़ के और तरह तरह का लिख लेते हैं, हैंडराइटिंग, कैलीग्राफी, अलग अलग स्टाइल में हैंडराइटिंग में लिख लेते हैं। वो कहाँ से आता है? क्योंकि आपने पेन पर अपना ग्रिप को इतना परफेक्ट कर लिया है कि आप उससे तरह तरह के कोई डिजाइन, कोई पेंटिंग, कोई कुछ भी, बहुत सारी चीजें बना लेता है। किसका कमाल है? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, हाथ में नहीं पकड़ पाते पेन, तो क्या होता? कुछ लिख पाते, बना पाते, कुछ भी नहीं कर पाते, कोई औजार इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंस के टर्म्स में सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन क्या है हमारे लिए? फॉर होल्ड। हम किसी चीज को होल्ड ही नहीं कर पाएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो। आप किसी भी कोई काम करना चाह रहे हैं, आपको पानी पीना है, ग्लास पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते, फिसल जाएगा। कोई चीज को आप पकड़ ही नहीं सकते अगर फ्रिक्शन नहीं होता। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन कहाँ रोल प्ले करता है? हमारे होल्ड करने की कैपेसिटी, किसी भी चीज को हम पकड़ सकते हैं। तो वहां सबसे पहले फ्रिक्शन का रोल। तो वहां हमने देखा कि फ्रिक्शन को बढ़ाने से हमें, अब जैसे देखिए आपका हाथ चिकना है और आप बोतल पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्या होता है? सामान छूट जाएगा, बोतल छूट जाता है। तो आप अपने हाथ को ड्राई कर लेते हैं, या उसमें थोड़ा मिट्टी पाउडर कुछ भी लगा के, ताकि वो फ्रिक्शन, चिकनापन चला जाए, बेटर ग्रिप मिल जाए, आप उसको पकड़ सकते हैं। तो फ्रिक्शन क्यों बढ़ाते हैं? फॉर इंक्रीजिंग द ग्रिप ऑन सम सरफेस।
किसी सरफेस पर हमारी ग्रिप बढ़ाने के लिए। हाँ, कैरम में घटाते हैं, ठीक है, कैरम का अलग है। तो जैसे आप लोग देखते हैं एथलीट वगैरह जो होते हैं, एथलीट जो तो अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो देखिए जैसे जो ग्रिप वाले होते हैं, जैसे कि हाथ से कुछ फेंकने वाला हो, ठीक है, हाथ से कुछ फेंकने वाला हो या कुश्ती लड़ना हो, बहुत तरह का ये चीज होता है, तो उसमें देखिए वो अपने हाथ पर क्या करते हैं, मिट्टी लगाते हैं पहले। देखिए क्रिकेट में देखते हैं बॉलर्स अपने हाथ में बार बार लगाते हैं, क्यों? हाँ, जितने भी गेम हैं फिजिक, तो उसमें क्या है कि क्योंकि वो बॉल को जो फेंकता है, देखिए क्रिकेट में, देखिए क्रिकेट में जब वो बॉलिंग करता है, पहले हम लोग छोटे थे बहुत, तो हम लोग को समझ में नहीं आता था क्योंकि इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं था, बहुत छोटे थे। एलन डोनाल्ड आता था, 10 मिनट घिसता रहता था बॉल को, जब बॉल आएगा लेके घिसता रहता था। अब हम लोग सोचते थे क्या करता रहता है भाई, बॉल को कुछ होता तो है नहीं एक बॉल के बाद, हर बॉल करता है, उसके बाद लेके पैंट में घिसता रहता था, घिसता रहता था, कि समय खाता है झूठ का जो है एक बॉल करेगा फिर घिसता रहेगा। वो बॉल को क्यों घिसता है? उससे क्या फायदा होता है? देखिए होता क्या है कि जब बॉल को होता है, बॉल जब खेला तो उस पर धूल वगैरह लग जाती है, हाँ जो भी कुछ है, तो वो इसलिए उसको घस के साफ करते हैं ताकि अन जो अनवांटेड चीजें हैं, धूल मॉइस्चर वगैरह जो भी, वो हट जाए। और आपको पता है उस बॉल जो होता है क्रिकेट बॉल, ये देखिए क्वेश्चन आ सकता है इसलिए समझा रहे हैं डिटेल, जो लेदर बॉल होती है उस पर धागे की जो सिलाई होती है उसको सीम कहा जाता है, सीम, SEAM, कहीं भी जो सिलाई होता है किसी भी चीज पर, तो जो सिलाई के निशान होते हैं उसको सीम कहा जाता है, SEAM, हाँ किसी भी चीज पर। बल्कि आप लोग जो टेलर कह देते हैं, ठीक है, उसका एक्चुअल इंग्लिश नाम सीमस्टर होता है, और लेडीज होती थी तो उनको सीमस्ट्रेस कहा जाता है, किसी भी चीजों पे सिलाई के निशान, धागा की सिलाई, हाँ कोई भी चीज सिलेगा, धागा ही जैसा कोई चीज होगा ना, सीम्स, सीम कहा जाता है। ठीक है, तो पहले टेलर्स को एक्चुअल नाम जो इंग्लिश में होता था सीमस्टर या सीमस्ट्रेस कहते थे, ठीक है, सिलाई का जो करता है तो उसको सीमस्टर, अब आज बोलेगा तो हमको लगता है लाखों में एक दो ही लोग समझेगा सीमस्टर और सीमस्ट्रेस किसको कहते। तो देखिए सिलाई से क्या होता है कि उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, कि इससे एक वर्ड देखिए आजकल बनता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, सीमलेस, सीमलेस, सीमलेसली, ठीक है। सीम का मतलब है जैसे आप कपड़े को अगर छुएंगे और उस पर धागा होगा तो उसका सिलाई का निशान आपको फील होता है, उबड़ खाबड़ जो सिलाई धागा होता है, धागा का जो, हाँ, तो वो एक तरह से क्या है कि आपका चिकना कपड़े का सतह है उसके ऊपर एक थोड़ा सा रफ आ जाता है ना, तो आजकल इसलिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं सीमलेस, मतलब बिना कोई कहीं भी अलग रुकावट के या बाधा के, समझ गए, सीमलेस वर्ड आजकल बहुत इस्तेमाल होता है, सीमलेस वर्किंग, सीमलेस नेटवर्किंग, मतलब बिल्कुल एक जैसा, स्मूथ, कंप्लीटली स्मूथ, सीमलेस, इसलिए बहुत इस्तेमाल होता है आजकल वर्ड, तो वो सीम यहीं से आया है, ठीक है, क्योंकि सिलाई होने से जो चिकना कपड़ा होता है उस पर सिलाई के निशान आ जाते हैं, तो बिना कोई बाधा के, हाँ रुकावट के, तो इससे वर्ड आजकल सीमलेस बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है, यानी विदाउट एनी सीम, बिल्कुल स्मूथ, टोटली स्मूथ लिख सकते। तो अब आ जाइए, देखिए यहाँ क्रिकेट के सीम पर आ जाते हैं, तो बॉल्स जो होते हैं उनमें देखते हैं आप कि मोटा धागा होता है काफी, वो आम धागा नहीं होता है, मोटा धागा होता है और उससे सिलाई होता है महीन, तो वो सिलाई क्या होता है कि वही बॉलर्स का जो क्वालिटी को देने का काम वही करता है सिलाई, समझ गए, उसी सिलाई जो होता है उस पर क्या बोलते हैं लेदर बॉल पर, या उसी तरह आप देखेंगे जो टेनिस बॉल होता है तो उस पर
किसी चीज से वो निशान टाइप का बना रहता है, रबर का ही होता है, मतलब देखते हैं सर्कुलर टाइप का कुछ डिजाइन बना रहता है, वो भी उसी सीम का काम करता है, समझ गए? वो सीम क्या करता है कि जब वो बॉल मोशन में होता है तो उसके मोशन को वो प्रभावित करता है, उसके मोशन को वो एंगल उसका चेंज करने का, या उसका बाउंस, ठीक है, बाउंस के बाद बॉल किस तरह से टर्न करेगी, पूरा स्पिन जो होता है वो उसी सीम पर डिपेंड करता है, सीम नहीं रहेगा स्पिन होगा ही नहीं, या स्विंग करता है बॉल, है क्रिकेट खेले होंगे ऑफ स्विंग जो भी कुछ होता है सब, हाँ, या स्पिन जो होता है, ये सारी चीजें, कहने का मतलब कि एक आम बॉल जो फेंका जाए और उससे जो भी उसमें एक्स्ट्रा मूवमेंट होता है वो सब उस सीम के कारण ही होता है। अगर बॉल पूरी चिकनी होगी तो उसमें कोई भी फिर स्पेशल मूवमेंट नहीं होगा, बस बॉल जैसे फेंका जाएगा वो फेंकेगा अपने आप, वो बॉल मूव करेगा, ठीक है? हाँ नहीं ठीक है, वो हम देखे हुए हैं। हाँ तो ये जो सीम होता है यही आपके बॉलर्स का जो भी क्वालिटी है कि किस स्पीड से बॉल जाएगा, कितना बाउंस करेगी, बाउंस करने के बाद किस तरह से वो कहीं कट होगी, स्विंग करेगी, स्पिन करेगी, किस तरफ को मुड़ेगी, समझ गए? और ये उस जो बॉलर होता है वो कैसे उस बॉल को फेंक रहा है उसके ग्रिप पर डिपेंड करता है। इसलिए देखिए हर बॉलर का ग्रिप बॉल पर अलग अलग होता है फेंकने का, उसको वो अपना अपना सबका स्टाइल होता है कैसे वो बॉल को पकड़ते हैं फेंक बॉलिंग करते समय, तो उसी पकड़ने के स्टाइल से होता है कि बॉल ग्राउंड को कैसे हिट करेगी। देखिए जब हिट करती है बॉल ग्राउंड को तो वो कहाँ से हिट करती है, चिकने पार्ट पे करती है कि सीम पर करती है, और उसकी वजह से फिर वो होता क्या है, एयर के साथ एयर का फोर्स लगता है उसके सीम पर। हाँ पहले तो जब अर्थ पर टकराया तो अर्थ उसको हिट किया, अर्थ पर वो फोर्स लगाया तो अर्थ उसको फोर्स लगाएगा ना, तो वो तो डिपेंड करता है कि वो बॉल किस तरफ को जाएगी, कितनी स्पीड से कितना बाउंस करेगी। उसके बाद जब वो बॉल चूंकि रोटेट करती हुई आती है तो हवा का जो उस पर फ्रिक्शन लगता है वो उसको स्पिन देने का काम करती है, स्पिन है, स्विंग है, जो भी कुछ मोशन होता है उसका चेंज। हाँ हाँ समझ गए। हाँ वो बॉल स्लो नहीं, स्लो हो या रोटेट करे, स्विंग करे, जो भी कुछ उसका स्पिन करे, हाँ दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन एयर एंड द बॉल एंड सीम। तो इसीलिए वो बार बार इतना घिसता था ताकि वो जिस तरह से बॉल को घुमाना चाहे उस तरह से उसको घुमा सके, और इसीलिए इतना मशहूर एक समय का बॉलर था, ठीक है? और उसको चाट चाट के कैसे कैसे करके जो है साफ करते रहते हैं, है हम लोग को लगता था क्या पागलपन करते रहता है, चाटते रहेगा उसको, थूक लगा लगा के साफ करेगा, कभी पैंट में रगड़ेगा, कभी कुछ करेगा। हाँ अब तो खैर बहुत डेवलपमेंट हो गया, बहुत फैसिलिटीज हो गया, वो अलग बात है। हाँ तो वही बता रहे हैं कि बॉल को आप कैसे फेंकते हैं, कैसे उस समय हाथ का रोटेशन होता है कलाई का आपके। तो खैर ये सारी चीजें मैं कह रहा हूं कि जो भी आपका आर्ट है बॉलिंग का, चाहे कोई फास्ट फेंके, स्पिन फेंके, जैसा भी फेंके, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्शन पर, समझ गए? तो वहां ये बहुत मायने करता है फ्रिक्शन, और वहां पर ये सीम, तो इसलिए फ्रिक्शन देखिए क्रिकेट में बहुत ज्यादा महत्व का हो जाता है फ्रिक्शन। एक से एक महान बल बॉलर रहे, देखिए कितना स्पिन कोई किया, कोई स्विंग करता है, कोई फास्ट बॉलिंग करता है, अलग अलग तरह का सबका, कोई बॉडी लाइन बॉलिंग करता था, एक चाइना मैन बॉलिंग करता था, सबका बहुत अलग अलग तरह से फेंकने का तरीका। तो वहां देखिए कौन मेन जो है तरीका जो है वो मास्टरी कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, किस चीज पर, फ्रिक्शन पर, कि कैसे बॉल का फ्रिक्शन हो तो कैसे उसका मूवमेंट को अफेक्ट करे। बॉलर ये जानता नहीं है,
वो उसको इतना साइंस नहीं पता है, उसको टेक्निकल ये नॉलेज नहीं कि फ्रिक्शन ऐसे ऐसे काम कर रहा है, लेकिन उसको ये पता है अनुभव से, वो ये सीख जाता है कि मैं बॉल को ऐसे हिट करूंगा तो वो ऐसे टर्न लेगा, ये वो सीख जाता है अपने अनुभव से बॉलिंग के। इस तरह से ग्रिप पकड़ के फेंकूंगा तो बॉल टैप करने के बाद फास्ट होगी, स्लो होगी, बाउंस करेगी, इधर स्विंग करेगी, उधर स्विंग या स्पिन करेगी या रिवर्स स्विंग, बहुत तरह का होता है। तो ये सब कैसे करेगा वो अपने अनुभव से, प्रैक्टिकल से उसको अनुभव हो जाता है। तो उनको सिर्फ अपना ये होता है कि हम बॉलिंग करेंगे तो किस तरह से बॉल को फेंकेंगे, तो क्या उसका बॉल का किस तरह से मूवमेंट होगा, वो साइंस नहीं जानते कि फ्रिक्शन कैसे कैसे और क्या होता है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं डायरेक्टली। तो वहां पर हमें देखिए फ्रिक्शन को एडजस्ट, और उसी फ्रिक्शन के लिए आपको हेल्प करने के लिए सीम, अब बिना सीम वाला बॉल उठा के दे दे तो कुछ कर पाएगा वो, कुछ नहीं कर पाएगा। कोई बीच में बदल दे बॉल को, बिना सीम वाला उसको दे दे तो बेकार हो जाएगा उसका, स्विंग भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा और बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, मतलब बॉल करेगा कुछ, हो जाएगा कुछ उसका, समझ गए। तो ये स्विंग ही है, ये सीम है जिस पर कि पूरा बॉलर डिपेंड करता है। हाँ, जैसे टेनिस बॉल में ये बना रहता है गड्ढे दबा हुआ निशान होता है, ये भी ऐसे ही काम करता है, क्योंकि हाँ क्योंकि ये वहां पर जो है सरफेस, सीम क्या होता है, सीम होता है बेसिकली कि जो बॉल का सरफेस है उससे उठा हुआ रहता है, समझ गए, एक सड़क टाइप का बना देता है हवा के लिए, और ये इसमें क्या है कि वो धंसा हुआ रहता है, तो इसका भी वैसे ही काम करता है वो। तो उसी की वजह से फ्रिक्शन अलग अलग दोनों सरफेस पर लगता है, जो बॉल का उठा हुआ सरफेस है और जो बॉल का ये दबा हुआ रोड जैसा बना हुआ है। हाँ, तो उसी का यहाँ भी एयर ऐसे ही, तो जो आपके टेनिस में या इससे खेलते हैं तो वो भी ऐसे ही इसका इस्तेमाल करते हैं। उससे कुछ नहीं होगा, वो सीधा जैसे फेंकिएगा जाएगा और उसका मूवमेंट अनकंट्रोल्ड होता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं करेगा, आप सोचिएगा कि पटका जाए तो उछल जाएगा बहुत ज्यादा। ये सब जो है आपके बॉल जो बनते हैं इसलिए महंगे होते हैं, तो इनका क्योंकि कंट्रोल होता है बॉलर का या प्लेयर का इस पर कि कैसे वो बॉल का मूवमेंट कराना चाहते हैं, उस हिसाब से वो करेंगे तो ऐसे उनको रिस्पांस मिलेगा। तो यहाँ देखिए कि पूरा जो गेम है किस पर टिका हुआ है, फ्रिक्शन पर टिका हुआ है, ठीक है। इसी तरह देखिए जो आपका जो गेम होता है, गेम क्या, एथलेटिक्स इवेंट कहिए कि जो जैसे कि जेवलिन थ्रो होता है या डिस्कस थ्रो होता है या शॉर्ट पुट होता है, जो ये लोहे का डिस्क फेंका जाता है, ऐसे नहीं घूम के ऐसे पूरा फेंकते हैं, तो वो गोला नहीं, वो डिस्क जैसा रहता है, डिस्क सीडी की तरह, सीडी की तरह मोटा लोहा का सीडी समझ लीजिए। तो वो डिस्कस थ्रो होता है, एक हैमर थ्रो होता है, उसमें लोहे का हथौड़ा जैसा बंधा रहता है, चेन से उसको घुमा के फेंकता है, गोला ही रहता है चेन से बंधा हुआ लोहे का, वो तो शॉर्ट पुट बोले ना, शॉर्ट पुट वो खाली गोला ऐसे फेंकते हैं, एक होता है वही गोला बड़ा रहता है लेकिन लोहे का सिक्कड़ से बंधा होता है, उसको घुमा के ऐसे और फिर छोड़ देता है सिक्कड़ के साथ जाता है। नहीं तो ट्रेनिंग होता है उसका और काफी दूर होता है कि जाए, तो वो हैमर थ्रो कहा जाता है, या बहुत सारे इवेंट इस तरह, ये सब जो है आपके एंगल पर डिपेंड करता है फेंकने के, और इसीलिए वहां पर अर्थ का ग्रेविटी काम करता है, तो वहां फेंकने का एंगल ठीक है, वो ट्रेन तो वो आपको ग्रेविटी का नहीं डिटेल करा है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें हम पढ़ते हैं, तो वो 45 डिग्री पर जब फेंकता है तभी उसका मैक्सिमम रेंज होता है, तो वहां फेंकने देखिए उसी फोर्स से फेंक रहा है, लेकिन अगर उसका एंगल चेंज हो जाएगा फेंकने का या एंगल गड़बड़ा गया तो उसका रेंज कम हो जाएगा, कम ही डिस्टेंस पर गिर जाएगा, समझ गए। तो जरूरी नहीं जिसने ज्यादा दूर फेंका, नीरज चोपड़ा फेंका तो नीरज चोपड़ा से ज्यादा ताकतवर फेंकने वाले वहां लोग रहे होंगे,
लेकिन उसको उतने फोर्स से उस पर्टिकुलर एंगल, अपना ट्रेनिंग होता है फेंकने का, किस एंगल पर आप फेंकते हैं, उस एंगल पर उसने फेंका तभी उसका सबसे ज्यादा दूर गया। हाँ वही बता रहा है, उसको तो नहीं पता है कि 45 नाप के वो तो नहीं करता है, लेकिन वो अपना फेंकते फेंकते अनुभव से बॉडी ट्रेन हो जाता है। जैसे हमने भी इधर देखा कि हम कुछ फेंकते हैं तो बिल्कुल सही कैसे चला जाता है, हम तो इतना निशाना लेके फेंकते नहीं है, क्योंकि बॉडी हमारी बचपन से वो धीरे धीरे ट्रेन हो जाती है, खेलते थे हम लोग बहुत, तो वो हाथ बॉडी सबका कोऑर्डिनेशन सेट हो जाता है कि फिर आप फेंकते हैं तो बिल्कुल सही, ऐसे ही फेंक दिए फिर भी देखते हैं कि सही नहीं पर चला गया बिल्कुल एग्जैक्टली, जैसे कोई बाल्टी हम दूर से कोई चीज फेंकेंगे जाके उस बाल्टी में ही गिरेगा, ठीक है। तो हम सोचने लगे कि भाई हम तो इतना ऐसे ही बस फेंक देते हैं चला जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है तो हमारा बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, कि बास्केटबॉल खेला करते थे बास्केट तर जगह जगह से फेंकना है बॉल को, या फुटबॉल में हाथ से थ्रो या पैर से किक, ये सब सब जो भी होता है। तो वहाँ पर तो खैर ये सब जो मोशन है वहाँ आपको, वहाँ भी फ्रिक्शन काम करता है, लेकिन वहाँ बेसिकली एंगल का रोल ज़्यादा होता है कि किस एंगल पर आपने फेंका है। और यहाँ जो है बाकी चीज़ें जैसे क्रिकेट और जितना भी ग्राउंड पर खेलने वाले गेम है, टेनिस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, टेबल टेनिस में बहुत ज़्यादा होता है, उसमें प्लास्टिक का बॉल होता है, ठीक है, नहीं 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 ये सब नहीं, प्लास्टिक का बॉल होता है अलग ही, बिल्कुल बहुत हल्का हवा की तरह हल्का होता है बॉल, जो बच्चा लोग खेलता है ना उसी तरह का हल्का होता है, लेकिन हार्ड प्लास्टिक का होता है। तो वहाँ पर जो है टेबल टेनिस में भी देखिए क्या होता है, उसमें जो रैकेट होता है खेलने वाला वो उस पर रबर का सरफेस होता है, समझ गए, तो वो कैसे हिट करता है बॉल को वो उसको एंगल या स्पीड या सब कुछ देता है, समझ गए, सरफेस देता है उसको, सरफेस उसका एंगल देगा। जो रैकेट होता है हाथ में जो पकड़ के खेलते हैं उसके ऊपर रबर का सरफेस होता है, तो उस पर जब हम बॉल को हिट करते हैं तो वो उसको जो है फ्रिक्शन की वजह से उसको पर्टिकुलर एंगल टर्न बहुत सारा उसमें भी होता है स्पिन और बहुत सारा टेक्निक, तो वो उसको देता है, वहां भी फ्रिक्शन ही प्ले कर रहा है, लेकिन वहां फ्रिक्शन किसके बीच हो रहा है, रैकेट और बॉल के बीच में होता है, तो बॉल में वैसा कोई ग्रिप नहीं, बॉल में वैसा कोई खास वो नहीं रहता है, हाँ प्लेन रहता है, प्लास्टिक बस हार्ड होता है, ये इस तरह होते हैं, हाँ हाँ हम देख लिए समझ, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं ये कहां क्या रोल वहां प्ले कर रहा है, फ्रिक्शन, और वहां हम फ्रिक्शन को कंट्रोल करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। वहाँ क्या करते हैं कि जैसे जो लोग स्पिन खेलने वाले होते हैं तो वो लोग ऐसा रैकेट लेते हैं जिसका रबर जो है मोटा रहे काफ़ी, समझ गए, जो फास्ट खेलने वाले होते हैं वो पतला रबर वाला लेते हैं, तो वहाँ भी फ्रिक्शन कैसे कंट्रोल कर रहे हैं आप, रबर का सरफेस जैसा है वैसे, ठीक है। फ्रिक्शन उसी तरह देखिए जो आप रोड है, रोड पर देखिए इसका इफेक्ट फील करते हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं और चिकना सड़क आ गया, अचानक लगता है स्पीड बढ़ गया, और वही चिकना से रफ सड़क पे आ गए तो वही आप उतना ही एक्सीलेटर दिए स्पीड बहुत घट जाता है, तो फ्रिक्शन वहां भी आपका स्पीड को घटा बढ़ा रहा है, या हम सड़क को चिकना बनाते हैं ताकि उस पर हम अपना मोशन इंप्रूव कर सके। तो हमने रिड्यूस करने का पहले एग्जाम्पल्स देखा, ठीक है, फ्रिक्शन कहाँ रिड्यूस करते हैं हम और फ्रिक्शन कहाँ बढ़ाते हैं, जहाँ हमें बेटर ग्रिप चाहिए, ठीक है, बेटर ग्रिप, तो बेटर ग्रिप कहाँ चाहिए, जहाँ होल्ड करना है। रिड्यूस में एक एग्जांपल आपने कैरम वाला भी देखा, जो कैरम बोर्ड जो होता है तो उस पर क्या है, उसके जो गोटियाँ या जो क्या आप बोलते हैं, तो वो जब कैरम पर मूव करता है तो क्या होता है कि चूंकि उसका फ्रिक्शन बहुत होता है, अब डिपेंड करता है वो किस, वो जो क्या बोलते हैं हम लोग, नाम भी भूल गए उसका, याद नहीं है, जो खेलते हैं जिससे कैरम, कैरम का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कैरम बहुत बचपन में हम लोग खेलते थे याद नहीं, तो वो जो है वो कई तरह का आता है, वो प्लास्टिक का भी आता है, लकड़ी का भी आता है, ठीक है, तरह तरह का आता है, हाँ, और खेलने वाला भी जो है जो बोर्ड होता है वो भी तरह तरह का होता है, बोर्ड भी नॉर्मल ऑर्डिनरी बोर्ड से लेके बहुत बढ़िया बहुत हार्ड स्पेशल बोर्ड तक रहता है, तो उस पर जो है आपके फ्रिक्शन
चेंज हो जाता है। नॉर्मल बोर्ड ये सब जाए बच्चों के लिए खरीद के ले आता है गार्जियन, उस पर पता चलता है उसकी जो है गोटी वो बढ़ती ही नहीं है, वो जो है मारता है बेचारा, बढ़ता नहीं है, तो पाउडर छिड़क छिड़क के चिकना करने की कोशिश करता है। हाँ, और उसका बढ़िया बोर्ड अगर रहता है तो वो अपने आप में खुद ही बहुत चिकना रहता है, उस पर अगर प्लास्टिक वाला वैसे खिलेगा तो बिना पाउडर के ही बढ़िया चलता है वो। और फिर मैजिक पाउडर या पाउडर टेलकम पाउडर पहले इस्तेमाल करते थे जब ये सब नहीं आता था, मैजिक पाउडर हमने अपने बचपन में देखा था पहली बार मैजिक पाउडर, बड़ा ही उस समय हाँ हमारे बचपन में था तब स्कूल में हमारे देखे थे, तो उस समय आया था वो नया, हमने हर जगह नहीं मिलता था वो पाउडर, अब मिलने लगा सब जगह, लेकिन पहले नहीं मिलता था, बड़े शहरों में ही कहीं कहीं मिलता था, बड़े स्पोर्ट्स के दुकान में खोजना पड़ता था बहुत उस समय पाउडर, मैजिक पाउडर। इधर तो लोग सब पाउडर से ही काम चलाता था, ठीक है। पहली बार हमने स्कूल में देखा कि मैजिक पाउडर होता है, उसको छिड़क देते थे बस थोड़ा सा, लगता था कि 10-20 बार आगे पीछे हो जाएगा, इतना वो चिकना है। और बोर्ड भी हम कैरम पहली बार स्कूल में ही देखे थे, इतना बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन सब जो है होता था वो। तो देखिए वहां पर कि फ्रिक्शन कितना इफेक्ट करता है, कि थोड़ा सा वो पाउडर छिड़क देते हैं और लगता है कि बिल्कुल फ्री मार दीजिए तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है, जो है वो हिट कर दीजिए स्ट्राइकर से, क्या बोलते थे उसको। तो वहां क्या कर रहे हैं हम कि फ्रिक्शन कम कर रहे हैं, और फ्रिक्शन कम कर रहे हैं है? हाँ हाँ स्ट्राइकर स्ट्राइकर हाँ स्ट्राइकर बड़े वाले को तो बोलते हैं, और बाकी सबको क्या करते थे क्वीन होता है। अभी बच्चे के साथ बहुत दिन बाद हम गए हुए थे एक जगह, तो बोला कि आइए ना खेलिए, तो खेलने लगे, बोला रहे आप तो बहुत अच्छा खेलते हैं, हम कहे हाँ खेलते थे बचपन में, तो उसको हरा दिए बेचारे, डिमोटिवेट हो गया, तो बोला हम नहीं खेलेंगे, तीन चार गेम हार गया बुरी तरह, जो एक दो ले लिया तब तक हम सारा ले लिए, तो कहता है कि आप तो अच्छा खेलते हो। वहां पर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है। फ्रिक्शन कैसे वहां कम हो जा रहा है, गैप को जो है ना भर देता है, गैप को भर देता है, नहीं गैप को नहीं भरता है, इतना छोटा नहीं होता है कि गैप को भर दे, वो होता क्या है एक्चुअली, इतना उसका पार्टिकल्स फाइन होता है, पार्टिकल जो पाउडर का होता है इतना छोटा होता है और चिकना होता है, कि वो बोर्ड का सरफेस और वो जो कैरम की जो गोटियां भी कह लेते हैं, जो गोटियां होती हैं उन दोनों के बीच में आके और वो व्हील का काम करता है। जैसे आपको मैं आयरन का ब्लॉक मूव करने के लिए बीच में बांस डालने या कुछ गोल डाल देते हैं लोग, हाँ तो वो उसी का काम, वो रोलिंग फ्रिक, वो नीचे एक्चुअली वो गोटियों के बीच में नीचे चला जाता है दोनों सरफेस के बीच में, और उनके नीचे गोल बॉल का काम करता है और उस पर मूव करता है एक तरह से गोटी जो, तो फिल नहीं करता है, बल्कि जो जैसे आपको बताया ना बड़ा सा आयरन ब्लॉक है उसके नीचे आप गोल गोल कुछ डाल दीजिए, जैसे बेयरिंग का काम जो बेयरिंग करते हैं काम, हाँ तो वैसे ही वो बेयरिंग का काम करते हैं बिल्कुल महीन, और इसलिए उनके ऊपर से जब गोटियां चलती हैं तो इतना स्मूथ चलती है। बेयरिंग होता है कोई भी मूविंग पार्ट जो आजकल इस्तेमाल होते हैं मशीनों में कोई भी चीज में, तो उसमें बीच में लोहे की गोलियां गोल गोल होती है, हाँ हाँ, तो वो जो पूरा सेटअप उसको ही बॉल बियरिंग्स कहते हैं, बॉल होता है, बॉल्स का इस्तेमाल, लोहे की बॉल होती है स्टील बॉल, तो उसको बॉल बियरिंग्स कहते हैं, तो वो जो है मूविंग बिल्कुल चिकना कर देता है, घूमता है फर्र से घुमाइए, तो वो क्यों कर रही है कम, मैं बताया था आपको कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किसमें कन्वर्ट कर देती है, रोलिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन काफी कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से समझाया था, इस वजह से वहां फ्रिक्शन कम हो जाता है, हाँ रोलिंग फ्रिक्शन हो जाता है जब वो पाउडर हम छिड़क देते हैं तो, समझ गए। आप यूं समझ लीजिए कि जब नॉर्मल उस पर आप बिना पाउडर के खेल रहे हैं तो वो किसी ब्लॉक को जमीन पर घसीटने की तरह है, कि आप किसी ब्लॉक को खींच रहे हैं धक्का दे रहे हैं तो कितना मेहनत लगता है, स्लाइड करना पड़ता है, और जब उसके नीचे आप कुछ गोल ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, रोड़ा पत्थर या गोल बॉल वगैरह कुछ भी डाल दीजिए उसके बाद, या बांस डाल दीजिए, फिर देखिए आसानी से रोल कर जाता है, तो उसी तरह वहां वो काम होता है कैरम बोर्ड में,
पाउडर वही काम करता है, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जगह रोलिंग फ्रिक्शन को काम में ले आता है और इस वजह से इतना फ्री मूव करना शुरू कर देती है। चाहे कोई भी पाउडर डालिए, हर पाउडर वही करता है। ये अलग बात है वो मैजिक पाउडर का दाना जो होता है वो ज़्यादा बढ़िया होता है, इसलिए वो ज़्यादा बेहतर काम करता है। हर पाउडर वही काम करता है। तो इसी तरह से जो आपको बताया रोलिंग फ्रिक्शन का जो काम है, जो भी पार्ट्स मूव करते हैं तो उसमें क्या है, दाने अब हम बड़े इस्तेमाल करते हैं, लोहे की गोलियां, स्टील की गोलियां होती हैं, तो जितना भी बॉल बियरिंग, ये देखिए पंखा चल रहा है, इतना साइलेंटली चल रहा है, इतना मूव करता है हाई स्पीड पर, फिर भी कोई घिसटने की आवाज, और कभी कभी घिसटने की आवाज़ आती भी है पंखा अगर अच्छा ना रहे और कुछ दिन हो जाए तो देखिए उसमें आवाज़ करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके बियरिंग्स में या तो जंग लग गया हो, अगर बढ़िया स्टील का बियरिंग ना हो, लोहे का हो तो उसमें जंग लग जाएगा, या गंदगी जमा हो गई हो जो भी कारण से, तो वो फिर क्या है, रगड़ खाने लगता है, फ्रिक्शन होने लगता है, वो तो आवाज़ करता है या स्पीड कम हो जाएगा। हाँ, बॉल बियरिंग, बियरिंग्स होते हैं, हाँ बॉल बियरिंग। ठीक है, तो यहां हमने देखा फ्रिक्शन का हम रिड्यूस कैसे करते हैं, बाय यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स का इस्तेमाल, जितने मशीन है सब रोटेटिंग पार्ट्स हैं, पंखा इस तरह का जितना, सब में क्या है, अंदर देखिएगा जो जहां पर दोनों के बीच में मूवमेंट होता है वहां पर बियरिंग्स लगे होते हैं, ताकि वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होने की जगह रोलिंग फ्रिक्शन और फ्रिक्शन कम हो जाए। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा फ्रिक्शन घटाने का, जितना भी बॉल बियरिंग्स इस्तेमाल करते हैं या लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल करते हैं, ये सब तरीके हैं क्या फ्रिक्शन कम करने के। और फ्रिक्शन बढ़ाने के तरीके हैं, जैसे मैंने आपको पहला बताया कि सरफेस को हम ड्राई कर लेते हैं, अगर सरफेस वेट है, भीगा हुआ है या उस पर चिकना सरफेस है तो उसको हम उस पर या तो उसका चिकनापन जो है उसको हटा दें, या उसके ऊपर कुछ ऐसा लगा दें जिससे उसका सरफेस रफ हो जाए, समझ रहे हैं, उसका सरफेस रफ हो जाए तो इससे उसका ग्रिपिंग बढ़ जाता है। दूसरा, जैसे आपको देखिए लेदर बॉल जो आया सीम्स, फ्रिक्शन बढ़ाने का काम किया, बहुत पहले तो हम लोग को नहीं मिलता था ऑर्डिनरी ये लेदर बॉल सिला हुआ वाला, हम लोग तो इनफैक्ट बचपन में खेले ही नहीं है इस बॉल से, हम लोग को सिर्फ जब स्कूल में गए वहां तो वहीं देखे ये सब चीज। ठीक है, तो क्योंकि ये सब एक महंगा आता था, एक्सपेंसिव होता था ये सब बॉल, आज भी महंगाई होता होगा, या अब खैर बहुत ज्यादा बनने लग गया सब जगह तो हो सकता है सस्ता हो गया। तो ये स्पेशल उसमें दिया जाता है किस लिए, लेदर बॉल जो टूर्नामेंट में ही, पहले ये था कि लेदर बॉल सिर्फ टूर्नामेंट जो बड़े होते थे उन्हीं में इस्तेमाल होता था, क्योंकि महंगा होता था लेदर बॉल, हर जगह आप उसको इतना महंगा नहीं खेल सकते थे, तो हम लोग नॉर्मल रबर का बॉल, रबर से खेलते थे पहले, बहुत छोटे रबर हो गया, प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक हो गया, कॉर्क का बॉल, क्या क्या तरह तरह का आता था, लेदर बॉल क्योंकि बहुत महंगा होता था। तो ये उस पर सिला जो जाता है लेदर बॉल को, इसीलिए ताकि उसका फ्रिक्शन बढ़े और उसको हम अपना डिजायर्ड स्पीड या ये सब दे सके, इसलिए वो बॉल महंगी होती है। हाँ, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, सिलाई करके उस पर सीम्स प्रोवाइड करके। ये जो टायर्स पर हमने ग्रूव, वो भी सीम ही एक तरह का है, टायर्स पर आपने जो देखा कि डिजाइन बने रहते हैं, पैटर्न्स बने रहते हैं, जिसको आपको ग्रूव्स हमने बताया, तो वो ग्रूव्स भी क्या एक तरह का सीम्स ही के काम करता है। हाँ, वहां भी वो सरफेस पर कुछ इस तरह का अनइवन क्रिएट करता है जिससे कि वो सीम की तरह और फ्रिक्शन बढ़ जाए वहां पर। तो आपने देखा कि आप अगर देखे ही होंगे कि टायर्स अलग अलग गाड़ियों के अलग होते हैं और उन पर अलग अलग मात्रा में ये ग्रूव्स होते हैं। वो भी वो रोड पर किया जाता है ताकि हाँ, नट फिक्स किया जाता है इसीलिए, ताकि वो उस सरफेस पर गाड़ी का फ्रिक्शन को बढ़ा सके, उससे पकड़ मजबूत हो जाता है, स्लिप नहीं करेगा गाड़ी,
वहाँ क्या बहुत जगह रोड पर भी कहीं कहीं देखे होंगे चाहे नहीं देखे होंगे, तो वहाँ थोड़ा सा उभरा हल्का हल्का छोटा छोटा, जैसे सरफेस पर ही बना बढ़िया रोड रहेगा लेकिन उस पर लगेगा कि छोटा छोटा गिट्टी जैसा बना हुआ है। हाँ, तो वो भी इसलिए दिया जाता है ताकि वहाँ पर जो है एक तो मजबूती भी हो जाती है उससे ज़्यादा, रोड जल्दी डैमेज नहीं होता है और ग्रिपिंग उसका बढ़ जाता है, ग्रिपिंग जो है बढ़ जाता है काफी। तो ये है फ्रिक्स, आपने टायर्स पर देखा कि ग्रूव्स जो है बनाया जाता है, और ग्रूव्स जो है देखिए थोड़ा जैसे आपने टू व्हीलर का देखे होंगे तो उस पर छोटा छोटा ग्रूव होता है, ठीक है, लेकिन जितना आपको जैसे क्योंकि वहां पर सिर्फ मूवमेंट करना है और वहां पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ाने का भी मतलब नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वहां हमें फ्रिक्शन ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा फ्रिक्शन होगा तब तो फिर डैमेज टायर डैमेज भी होगा और हमारा स्पीड भी कम होगा, ठीक है। फ्रिक्शन का हमें जरूरत क्या है, सिर्फ गाड़ी चले और ब्रेकिंग में इस्तेमाल होता है ज्यादा, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं जहां की हमें रोड पर पकड़ की जरूरत है, समझ गए, जैसे जो लोड कैरिंग व्हीकल्स होता है, जो भारी पकड़ वजन लेके चलने वाली गाड़ियां होती उन पर, अब ट्रक वगैरह के देख लीजिए, बस ट्रक के, बस से भी ज्यादा ट्रक के, तो उनके उसमें बड़े बड़े खांचे बने होते हैं, देखिए उभरा रहता है उसका जो है होता है काफी, क्यों, क्योंकि बहुत वेट उसको ब्रेकिंग करने के लिए बहुत ज्यादा पावर की फोर्स की जरूरत पड़ती है, उतना वेट लेके चलता है और ब्रेक करेगा गाड़ी नहीं रुका तो कितनों का कल्याण हो जाएगा, आप सोच सकते हैं। उतना ज्यादा फोर्स आप सोचिए, मैंने बताया था आपको कि इतनी, और विदेशों में आप देखिएगा बड़ी बड़ी गाड़ियां लगता है कि दो तीन कंटेनर रखे हुए एक साथ, तीन कैरियर जोड़े रहता है और एक एक पर एक एक कंटेनर बड़ा बड़ा, जो आप बड़े बड़े कंटेनर देखते हैं, और एक छोटा सा आगे खाली केबिन जैसा होता है जिसमें ड्राइवर बैठ के चलाता है उसको, लेकिन ब्रेक इतना पावरफुल होता है कि बस टच करेगा और गाड़ी रुक जाता है, खड़ा हो जाता है। हाँ, तो वो आखिर इतना फोर्स कहां से आया रोकने के लिए, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से, जो सड़क और रोड उसके टायर्स के बीच में जो फ्रिक्शन है, तो वो फ्रिक्शन उसका टायर इस तरह का डिजाइन होता है कि वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, समझ गए, आप सोचिए कि उतना मास का उतना वेट का ऑब्जेक्ट जा रहा है कई टन, सैकड़ों टन, 100 टन का जा रहा है, 200 टन का जा रहा है, समझिए कितना वेट है उसका और जा रहा है, उसको अचानक से ब्रेक करना है, कितना फोर्स का जरूरत होगा, समझ गए, तो वो फोर्स रोड प्रोवाइड करता है बाय फ्रिक्शन, और इतना फ्रिक्शन इसलिए कि उसके टायर भी बहुत हैवी, नहीं तो फट जाएगा, आम गाड़ी का टायर रहेगा उतना पावर करेगा वो फट जाएगा, फट से इतना प्रेशर उस पर आएगा फ्रिक्शन, तो वो टायर भी बहुत मजबूत होते हैं और उनके जो ग्रूव्स बने होते हैं इतने वो मजबूत होते हैं कि बिल्कुल समझिए कि बहुत ही हार्ड, वो फ्रिक्शन की वजह से इतना फोर्स जनरेट करता है कि वो उतने भारी गाड़ियों को भी रोक देता है, ठीक है। तो जो ज्यादा वेट कैरी करने वाले जो चीजें होती हैं उनमें ग्रूव्स उतने ही, ट्रैक्टर का देख लीजिए, ट्रैक्टर है आजकल जेसीबी बहुत इस्तेमाल सब जगह हो रहा है, इस सब का टायर्स देखिए बहुत बड़े बड़े इनके ग्रुप्स होते हैं क्योंकि इनको बहुत ज्यादा पकड़ बनानी होती है मिट्टी पर, ट्रैक्टर है कभी कभी कीचड़ में भी उसको काम करना पड़ता है, चिकनी मिट्टी में वहां भी उसको ग्रिप पकड़ना है नहीं तो फिसल ही जाएगा, ट्रैक्टर काम ही नहीं करेगा, खेती में काम करता है। हाँ, हाँ, लोहे का, हाँ वो भी आपको एडिशनल ग्रिप बनाने का, और उसको अगर जैसे बहुत चिकना पर है उसमें काम कराना है, हाँ नहीं तो वो दो कारण से होता है, वो तो एक होता है कि वो उस धान को काटते भी साथ में चला जाता है या दबाते चला जाता है जो उस पर, नहीं उसको कहते हैं कलवा करना, अच्छा कीचड़ होता है, हाँ हाँ कीचड़ में, ठीक ठीक, तो वो उतना ज्यादा चूंकि उसको कीचड़ में काम करना रहता है तो वहां उसको एडिशनल ग्रिप देने के लिए टायर को वो साथ में टायर के चढ़ा दिया जाता है, चक्कर पूरा धस जाता है, हाँ। तो इस तरह से फ्रिक्शन हम बढ़ाने के, तो ट्रैक्टर्स जो है जितनी खेती होती है या और काम होते हैं, अब देख लीजिए आजकल इन सब में भी इस्तेमाल हो रहा है, ट्रैक्टर का जो इंजन गाड़ी होता है उसका
आपके जेसीबी की तरह काम करने में भी कहीं कहीं इस्तेमाल होता है उसका इंजन पावर। हाँ, तो वहां भी ये है कि चूंकि ट्रैक्टर के जो टायर्स होते हैं उसमें ग्रिप बहुत होता है, और उसमें एडिशनल काम कराने के लिए आजकल प्रोवाइड कर देता है स्टैंड वगैरह जेसीबी की तरह, ठीक है, तो वो भी जेसीबी की तरह पकड़ के एक जगह बैठ जाता है और उसके बाद फिर उससे जो काम गाड़ी का होता है वो करता है उसमें। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये आपको जेसीबी का जैसे बताया था कि वो एक तो अपना उसका कई तरह का है, उसको ग्रिप देने का अपना, वो आगे वाला जो चिकना है खाली डाला उठाने वाला उसको रख दिया, नहीं तो जो दांत वाला उसका है उसको जमीन में धंसा दिया, पकड़ लिया कहीं, या अपना उसका एडिशनल एक होता है सपोर्ट, उसको निकाल के नीचे लोहे का जो, तो उस पर खड़ा हो जाता है, उठ जाता है, तो वो फिर जमीन पर पकड़ बना लेता है। कई तरह का मैकेनिज्म ये सब है। तो ये सब क्या कर रहा है, फ्रिक्शन बढ़ा रहा है। यहां क्या करते हैं, फ्रिक्शन बढ़ाते हैं, और किस लिए बढ़ाते हैं, ताकि जमीन पर हमारी पकड़ जो है मजबूत हो जाए। तो ये हमने देखे तरीके किसके, फ्रिक्शन घटाने के, बढ़ाने के, उसके इस्तेमाल। अब इतना लोड जेसीबी को इतना लोड और उठाना करना रहता है, मूव करना रहता है, कि अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो गाड़ी स्लिप करके फेंका जाएगा। इतना तेजी से वो तोड़ने के लिए घसीटता है, खींचता है, कि अगर वैसे में उसका पीछे वाला वो ग्रिप नहीं बना रहा है तो गाड़ी पलट जाए, उठ के पीछे चला जाएगा, पलटा जाएगा, पूरा 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा, समझ गए। तो इसीलिए वो इतना जोर से पीछे से पकड़े रहता है जमीन को, कि ताकि उतना फोर्स उसको मिले कि वो खींच के तोड़ सके, घसीट किसी चीज को कुदेड़ सके, या उसमें जैसा काम कराना है तोड़ने का उठाने का जो भी है करता है। तो ये हैवी वेट इक्विपमेंट जो होते हैं, जैसे ट्रैक्टर्स, जेसीबी, अर्थ मूवर्स कहा जाता है इनको, अर्थ मूवर्स, हैवी अर्थ मूवर्स, तो इन सब में हम फ्रिक्शन बढ़ाते हैं, फ्रिक्शन बढ़ाते हैं। फिर एक एप्लीकेशन आपको बताया था कि होवरक्राफ्ट, होवरक्राफ्ट बताया था, वहां पर क्या है वो टेक्निक, होवरक्राफ्ट जो है इस्तेमाल किया जाता है कि क्योंकि हवा में फ्रिक्शन बहुत कम होता है जमीन के मुकाबले, तो अगर हवा में कोई चीज उठ जाए एक बार तो उसको मूव करना आसान होता है, जब तक जमीन पर है तब तक वो मूव नहीं करेगा, लेकिन हवा में, जैसे एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन को जमीन पर दौड़ाने के लिए जितना फोर्स का जरूरत होता है उससे बहुत कम फोर्स जरूरत होता है उसको हवा में आगे उड़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है लैंड का, एयर का, और हवा में फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाता है। इस तरह से फ्लाइट डेवलप हुआ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि फ्यूल का वहां खपत कम हो जाता है, फ्यूल जितना आप फ्रिक्शन रहेगा उतना फ्यूल इंजन फ्यूल लेगा, तो जमीन पर अगर दौड़ने वाली चीजें हो वो फ्रिक्शन ज्यादा फ्यूल लेंगी फ्रिक्शन के कारण, हवा में पानी में फ्रिक्शन कम हो जाता है बताया था आपको, तो वहां फ्यूल खपत कम होता है तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी क्या होता है कम हो जाता है, इस वजह से सस्ता पड़ता है। आप जानते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो भी चाहे यूरोप हो, अमेरिकाज हो, या और कहीं हो, ऑस्ट्रेलिया, जब सब जहां भी है, वहां फ्लाइट बहुत ज्यादा सस्ती है, जैसे आपका बस का टिकट यहाँ होता है वैसे वहां फ्लाइट का टिकट होता है। आप लोग को देख के लगता हो कि अरे ये तो बड़ा हर आदमी फ्लाइट से जा रहा है, वहां की फिल्म ये सब कुछ भी देखिएगा विदेशों का, तो वहां हर आदमी फ्लाइट से ही जाता है, जैसे यहाँ हर आदमी बस से ही जाता है या ट्रेन से जाता है, हाँ, वैसे ही वहां हर आदमी फ्लाइट से जाता है, सिस्टम उल्टा है हमारा और वहां का। और वहां जो बहुत पैसे वाले होते हैं वही सिर्फ ट्रेन में चढ़ते हैं, या जिनको घूमने वगैरह का होता है क्योंकि समय ज्यादा लेता है, तो वहां जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है और या जिन जो स्पेशल पर्पज से घूमने के लिए निकलते हैं, देखने के लिए निकलते हैं नजारों को, वो लोग ट्रेन में बैठते हैं, और वहां की ट्रेन इसलिए बहुत बढ़िया होती है, वहां की ट्रेन बहुत ही ज्यादा बढ़िया होती है, बहुत खूबसूरत लग्जूरियस ट्रेन होता है। नहीं, यहाँ का एरोप्लेन भी नहीं लग्जूरियस, कहाँ एरोप्लेन, एरोप्लेन भी कबूतर खाना ही होता है यहाँ का, एरोप्लेन कहाँ लग्जूरियस होता है, कौन सा एरोप्लेन लग्जूरियस है, सब कबूतर खाना ही है, जितना ज्यादा भर सको उतना ही बनाया रहता है, कि जैसे पिंजड़ा में जितना ज्यादा लोगों को भर सके, क्योंकि उसको बात है कि इतना कम दाम पर उसको देना है सर्विस, नहीं कम ही है वो, आपको ज्यादा लग रहा है, इस तरह का हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, कम इसलिए क्योंकि देखिए उसका ऑपरेशन बहुत कम है ना, कितने लोग फ्लाइट से जा रहे हैं,
इसकी वजह से वो महंगा पड़ रहा है, आपको महंगा लग रहा है इसलिए क्योंकि रेट आपसे ज्यादा ले रहा है, ठीक है, लेकिन जो उसको कॉस्ट पड़ रहा है उसके कंपैरिजन में बहुत कम ले रहा है, मिनिमम प्रॉफिट पर वो काम कर रहा है, क्योंकि बहुत कम लोग फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं, और वहां क्या है कि पूरी जनता ही फ्लाइट से चलती है, तो फ्लाइट का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए टोटल कॉस्ट भी कम हो जाता है, समझ गए। यहां क्या है, गिने चुने लोग फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो जो फ्लाइट चलाने का जो खर्च होता है वो बहुत ज्यादा होता है, समझ गए। तो आपको लगता है कि कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट तो है ज्यादा, नेचुरल है कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन वो मतलब ऐसा नहीं कि वो आपसे बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं फायदा, वो अपना मिनिमम ही फायदे पर काम कर रहे हैं। फ्लाइट इसलिए कोई लग्जूरियस कहां है, यहां तो चीप फ्लाइट का आ गया और बंद हो गए कितने फ्लाइट इस वजह से, घाटे में चलने की वजह से कितने फ्लाइट आज चल रहे हैं, बंद हो गए सब, एक आधी दो सर्वाइव कर पाए, इतना कम रेट होता चला गया, पब्लिक चाहती है सस्ता, महंगा कितना लोग अफोर्ड कर पाएगा। तो कारण यह है कि उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, फ्यूल महंगा है। हमारे आजकल क्या, आज ये है सब बोला सर गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया, इतना पेट्रोल महंगा हो गया, हमको तो मोटरसाइकिल से, हम काम करते हैं जो फ्लैक्स वगैरह हमारा प्रिंट करता है, वो बोला कि सर आजकल मोटरसाइकिल से चलना हमको महंगा पड़ गया है रोड पर, जबकि बहुत पैसा कमाता है, उसके बावजूद कह रहा कि सर इतना मुश्किल हो गया कि अब बाइक निकालना बंद कर दिए, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। जब 120 वगैरह चला गया था, एक दिन गया उससे कहा कि सर इतना महंगा हो गया कि आजकल बाइक भी निकालने में सोचना पड़ता है, पहले काम रहता था धड़ल्ले से बाइक लेके निकल जाते थे, कहाँ से हम लोग का होगा इतना महंगा पेट्रोल रहेगा। तो बात है कि फ्यूल महंगा है, ठीक है, तो क्योंकि एयर में, और वहां क्या है कि सिस्टम ऐसा डेवलप हुआ, उन्होंने डेवलप ही ऐसा सिस्टम किया फ्लाइट का सिस्टम, क्योंकि वहां डिस्टेंस भी लॉन्ग होता है, बहुत दूर दूर जाना होता है, ठीक है, तो फ्लाइट का वहां ऑपरेटिंग कॉस्ट सभी जनता वहां, जैसे यहां है कि बस का कहीं जाना है तो ट्रेन का या बस का टिकट ले लिया, वैसे ही वहां किसी कहीं जाना है तो वो फ्लाइट का टिकट ले लेता है, उसी तरह से वहां फ्लाइट चलता है, इतना फ्लाइट है बस की तरह वहां फ्लाइट चलता है। हाँ, अभी देखिए, अभी कल पेपर में दिया कि छठ वगैरह के किसके कारण सब 2 महीने से सब आगे का सब बुकिंग फुल है, ठीक है, ट्रेन में भी ये हालत, ठीक है। चलिए, हम लोग फ्रिक्शन पर थे, तो हम ये जानते हैं कि सॉलिड सरफेस यानी अर्थ पर फ्रिक्शन ज्यादा होता है, सॉलिड्स में फ्रिक्शन ज्यादा होता है, लिक्विड्स में कम होता है, गैसेस में और भी कम होता है, और फ्रिक्शन को हम रिड्यूस करने का हमने बताया कि या तो ल्यूब्रिकेंट्स इस्तेमाल करें या व्हील्स का इस्तेमाल करें, है? जैसे कि आप रोलिंग फ्रिक्शन बता ही दिया, जैसे आप पहले हम लोग को वेट उठा के लाना पड़ता था, कितना बोझ हो जाता था उठाना में, हम लोग देखे हैं, पूरा सामान ले जाना पड़ता था और फिर लाना पड़ता था स्कूल से, और आजकल देखिए कि सब ये आ गया, ट्रॉली बैग का कंसेप्ट आ गया, पहले ट्रॉली बैग होते ही नहीं थे, ट्रॉली ट्रॉली कोई भी मूविंग कैरियर को कहते हैं जिसमें सामान वगैरह रख के आप मूव करते हैं, ट्रॉली होता है, जो आप पहले रिसर्च देख के पहले हम लोग को नया नया चीज लगता था, अब तो कॉमन हो गया कि एयरपोर्ट पर आप जाते हैं तो वहाँ ट्रॉली सब लगा रहता है, उसमें अपना सामान रखे आराम से ले गए, नहीं फ्री है रखा रहता है, जिसको उठाना है करना है ले गया, फिर कहीं छोड़ दिया, अब कलेक्ट करने के लिए कोई रहता है ला के जगह रख देता है। तो ये सब पहले यहाँ सिस्टम नहीं था, अब धीरे धीरे एयरपोर्ट सब जगह हो गया, वहाँ पर ही फैसिलिटी देने लग गया सरकार, लोग भी पहले नहीं जानते थे, फिर अब लगा कि नहीं भाई ठीक है बढ़िया सुविधा है, या अब बहुत जगह कहीं कहीं स्टेशन्स पर भी प्रोवाइड, बड़े स्टेशन्स पर ट्रॉलीज वगैरह मिलता है, तो वहाँ भी आप सामान अपना इधर से उधर आसानी से मूव कर सकते हैं। अब देखिए सब जगह ये अभी यहाँ तो नहीं, यहाँ तो अब थोड़ा चेंज हो गया, सस्ता चीप के चक्कर में जो बड़े बड़े स्टोर होते हैं, जो पहले स्टोर सब में भी हम लोग दिल्ली में जाते थे तो वहाँ भी वो ट्रॉली सब जगह रखा रहता है, आप अपना जो भी सामान है बड़ा सा ट्रॉली रहता है बना हुआ, उसी में सामान डालते चले गए और मूव करते हुए जा रहे हैं, और फिर गए काउंटर पर उसको दे दिए, निकाल निकाल के आपका एक एक आइटम कर दिया।
तो वो बड़े बड़े स्टोर्स में, वो भी इतना अब खर्च लोगों को महंगा पड़ने लग गया कि एसी नहीं चलाना मुश्किल हो रहा है लोगों को, तो ट्रॉली कहाँ से। तो यहाँ तो सब बास्केट सिस्टम अब कर दिया धीरे धीरे कि बास्केट लेके चलिए, तो पहले वहाँ ट्रॉली ही था दिल्ली में सब जो है इस सब में, जो ट्रॉली रहता था अपना ट्रॉली लेके गए उसमें सामान डालते गए। तो क्या है कि या ट्रॉली बैग जो आप आजकल बहुत ज्यादा हो गया है हर जगह, अब हर कोई ट्रॉली ही बैग, अब कोई उठाने वाला तो लेके चलता नहीं है हमको लगता है, हम तो नहीं देखे हैं गांव शहर सब जगह वही सब लोग ले लिया है। तो वो क्या है कि जो पहले हमें उठा के वेट लाना पड़ता था या घसीट के लाना पड़ता था जिस चीज को, वो अब ट्रॉली पर आसानी से आ जाता है। ठीक है, तो क्यों आखिर आपका एफर्ट क्यों कम हो जा रहा है वहां पर, जो मेहनत जो आपको लगाना पड़ रहा है क्यों कम हो जा रहा है? हाँ, रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन था वो बहुत ज्यादा था, रोलिंग फ्रिक्शन कम हो गया, इसलिए आपको जो अगर सूटकेस उठा के अभी भी कह दिया जाए ले जाने बहुत भारी लगेगा, लेकिन वही आप ट्रॉली लगा हुआ है व्हील लगा हुआ है उसमें आसानी से आप स्लाइड करते हुए लेके निकल जाते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम है। रोलिंग फ्रिक्शन को हम कम कैसे कर सकते हैं? व्हील्स अगर उसमें लगा दिया जाए या बीच में कोई मूविंग पार्ट जैसे बियरिंग हम इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपका रोलिंग फ्रिक्शन इस्तेमाल हो जाता है और वो कम हो जाता है। तो ये घटाने का एक तरीका है कि व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो आपको शायद लिखा दिया था। हाँ, लिख लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए। हैं? हाँ, लिखिए रोलिंग फ्रिक्शन। लिखे थे रोलिंग फ्रिक्शन? आइए, हाँ वो आपको स्टैटिक और डायनेमिक रोलिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन लिखा था। आइए, उसी में लिखिए। हाँ, एक सब हेडिंग दीजिए, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। हाँ, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। वी सी अटैचेस, AETACHES, अटैचेस, अटैची बोलते हैं ना सूटकेस को, अटैचेस एंड अदर। हाँ, ये अटैचे ही होता है। हाँ, इंग्लिश वर्ड है, उसको हिंदी हम लोग अटैची बोल देते हैं। हिंदी ये सब इंग्लिश का वर्ड है, तो हिंदी में आप क्या बोलिएगा, वही सब हिंदी में भी चल जाता है। वी हैव सीन अटैचे एंड अदर लगेज LUGGEE, अदर लगेज फिटेड विथ रोलर्स, फिटेड विथ रोलर्स। फुल स्टॉप। इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीस ऑफ लगेज। PIECE, पीस, ये शांति वाला नहीं बोले हैं, पीस सामान की बात कर रहे हैं। PIECE, पीस ऑफ लगेज। देखिए एक ऐड आया था, याद आ गया मुझे इसी से, कुछ बीच में ऐड आया था किसी VIP या किसी कंपनी का आया था ऐड शायद, जब इन लोग का बच्चा होता है वो बड़ा हो थोड़ा सा छोटा रहता है तो वो लगेज खींच के ले जाता है, करीना और उसका सैफ का बच्चा जो है, देखे हैं? हाँ, पहला जो बच्चा था। हाँ,
हाँ पहला बच्चा था तो उसका आता था कि जो है वो मतलब ये लोग देख रहा है कि कहीं जा रहा है घूमने और बच्चा पकड़ के पीछे से खींच के ला रहा है। ठीक है, तो खैर बात है कि आजकल देखिए इतना बच्चे भी आराम से ऐसे उसको खींच के ले जा सकते हैं, छोटे बच्चे भी। हाँ दिखा रहा है, पता नहीं याद नहीं है, खाली इतना नहीं याद आ कंपनी रहा का है। प्रचार करने के लिए देखो बच्चे खींच सकता है आराम से। हाँ तो यही कि इवन अ स्मॉल चाइल्ड कैन, अब बच्चा भी आराम से कितना ही वेट पर नहीं मैटर करता है, देखिए यही यहाँ समझने का वेट है। नहीं मैटर करता है। हाँ कि कितना ही भारी रहेगा, लेकिन अब कितना ही का मतलब ठीक है बच्चा भी है तो छोटा है जितना है तो मतलब अच्छा खासा भी लगेज रहेगा तो उसको आराम से वो स्लाइड करके ले आ सकता है। ये उसके व्हील पर डिपेंड करेगा कितना स्मूथ व्हील है उसका, बहुत भारी भी रहेगा ना तो भी अगर बढ़िया व्हील रहेगा, ऑर्डिनरी सूटकेस रहेगा ये सब वीआईपी वीआईपी रहेगा तब तो नहीं खींच पाएगा, लेकिन अगर बहुत बढ़िया रहेगा अमेरिकन टूरिस्टर है सबका तो बहुत भारी भी रहेगा तो भी उससे भार से फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे, समझ गए। उसका ट्रॉली जो व्हील इतना बढ़िया क्वालिटी का होता है कि कितना ही आप वेट वेट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उसके व्हील पर, अच्छा क्वालिटी का रहेगा। जहां नहीं अच्छा रहेगा तो वहां क्या है कि ज्यादा वेट रहेगा तो वो बॉल बियरिंग्स पर फ्रिक्शन करने लगेगा और फिर वो खींचने में भारी लगेगा, नहीं तो ऐसे आइडियल जो है वेट नहीं पता चलना चाहिए उसमें खींचने में कितना ही भारी मतलब है। व्हील जो है अलग से लगाया भी जाता है। जैसे बढ़िया कंपनी का बढ़िया वो लगाते हैं पार्ट्स व्हील बॉल बियरिंग वगैरह ये, अब जैसे पंखा है, अब ये सब ऑर्डिनरी बजाज का पंखा है, इसको चलाइए तेज स्पीड में चलाएगा हवा आवाज करने लगता है, अब हवा का आवाज करता है लग पंखा चल रहा है आंधी आ रहा है क्या आ रहा है, हमको बड़ा इसलिए हम धीमे चलाते हैं, आवाज थोड़ा भी करता है तो हम उसको। और ऐसे पंखे आते हैं मांगे कि बहुत हाई स्पीड भी चलेगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ चल भी रहा है कमरे, तो महंगे आते हैं तो उनका पार्ट स्पेशल रहता है कि बहुत स्पीड मूव करने पर भी फ्रिक्शन नहीं होता है आवाज नहीं होता है। मतलब हवा के साथ फ्रिक्शन नहीं हाँ बिल्कुल साइलेंट, जैसे ये देखिए अभी फुल स्पीड करने लगे ना आवाज होने लगता है हवा का ही मूव करने का, तो पार्ट्स पर डिपेंड करता है किस तरह का पार्ट्स इस्तेमाल हो रहा है उसी पर उसका। अब जैसे अभी देखिए आपको पढ़ रहे थे हम एक है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका जो बनाया था फाउंडर था लिनस टॉरवाल्ड्स जो कि कॉलेज में था तभी उसको बनाया था, बहुत ही जीनियस है, मात्र हमको लगता है 15-16 साल की उम्र में एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। तो उसका है दिखा हुआ था कि वो जो लैपटॉप यूज़ करता है तो लैपटॉप में उसका अंदर जो थोड़ा सा वो फैन जैसे चलता है उसका आवाज से भी उसको इतना इरिटेशन होता है कि उसके लिए भी स्पेशल फैन वो लगाता है कि जो बिल्कुल ही नॉइजलेस रहे, समझ रहे कि कंप्यूटर का भी चलने का मतलब लैपटॉप चलने का भी उसको आवाज ना हो फीलिंग, एक तो आवाज कहाँ करता है लैपटॉप कुछ आवाज करता है, लेकिन वो भी क्योंकि इतना वो कॉन्सेंट्रेशन से काम करता है, समझ गए हम, के वो बेउर में आएगा तो पागल हो जाएगा, बेउर में सुबह से शाम यहाँ गीत भजन सब होता है जो है तो हम तो ऐसे ही पागल से लगता है कि रात होते होते दिमाग खराब हो जाता है, सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है और जिसका जो मन है सब चलता रहता है, हम का तो उसी का पढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि अगर एक दिन वो यहाँ आ जाए तो मुझे आना चाहिए। जिसको कि कंप्यूटर का भी जो लैपटॉप का भी आवाज लग रहा है और उसके लिए महंगा महंगा फैन लेता है कि कूलिंग के लिए कि ठंडा भी करे और साथ ही साथ आवाज भी ना करे बिल्कुल नॉइजलेस रहे, तो हम कहे कि वो बेउर में आ जाए यहाँ तो। हाँ चलिए तो यहाँ हमने देखा कि फ्रिक्शन तो पार्ट्स क्वालिटी पर डिपेंड करता है, बॉल बियरिंग्स का क्वालिटी पर डिपेंड करता है, जितना बढ़िया बॉल बियरिंग्स होगा स्टील का बढ़िया स्टील का होगा उतना ही बिल्कुल स्मूथ रहेगा आवाज नहीं करेगा हल्का। तो यहाँ हमने देखा व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन है, चाइल्ड इवन अ चाइल्ड कैन पुल अ हैवी पीस ऑफ लगेज अगर उसका अच्छा है तो। ठीक है लिखिए आगे इसमें, व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। अच्छा इसका कारण क्या होता है तो आपको समझा दिया था, रोलिंग फ्रिक्शन क्यों कम होता है, हाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन कम क्यों होता है, क्योंकि जब उसके सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोनों के कांटेक्ट फोर्स के, हम्म,
क्यों? दूसरी बात है सर कि मतलब कि उसका गैपिंग भी, अगर हम गैपिंग की भी बात बोले तो वो उसके साथ कम बनता है रोलिंग फ्रिक्शन के कारण, मींस जो होता है नहीं गैपिंग नहीं बताइए नेट, जो एक तो सरफेस जो होता है कांटेक्ट में, तो वो सरफेस कम होता है, सरफेस कम होता है क्योंकि जब आप स्लाइड करते हैं तो एक बॉक्स है या कोई भी चीज है तो पूरा सरफेस उसका टच में आ रहा है, जब रोल कर रहे हैं तो थोड़ा ही सा सरफेस उस टच में आ रहा है, वो तो एक कारण है। दूसरा कारण बताया था ना आपको कि जो लॉक्स किस तरह से काम करता है, जब स्लाइड करता है तो लॉक्स को तोड़ना पड़ता है इसलिए फोर्स ज्यादा लगता है, फ्रिक्शन ज्यादा होता है, जबकि रोल करना होता है तो सिर्फ उसको मूव करना होता है, समझ गए? इसकी तो लॉकिंग का प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है, इसमें लॉक होता है कंप्लीट तो तोड़ के लॉक को बढ़ता है स्लाइडिंग में, और रोलिंग में लॉक्स को तोड़ना नहीं पड़ता इसलिए फ्रिक्शन और फोर्स कम होता है। हाँ क्या लिख रहे थे? सरफेस ऑफ अनदर बॉडी कॉमा द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन फुल स्टॉप, रोलिंग फ्रिक्शन अंडर, हाँ रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फुल स्टॉप। अच्छा देखिए फ्रिक्शन का एक और आप पेन से लिख रहे हैं याद आया कि आप पेन जो है, कुछ पेन इंक पेन जो आप लेते हैं, कुछ पेन जो है चलाने में आपको बहुत ही चिकना होता है, लगेगा ही नहीं कि चल मतलब बहुत एफर्ट लग रहा है, और कुछ पेन में लिखने के लिए आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। हाँ ठीक है, हमको तो और ऐसा एक दो पेन मिल गया था कि जो लगता था कि चल ही नहीं रहा, उसको घसीटना पड़ेगा ताकत लगा के शुरू में तो, लेकिन वही देखिए कि जो चिकना होगा उस पर आप बहुत अच्छा नहीं लिख पाएंगे क्योंकि उस पर पकड़ नहीं बन, ग्रिप नहीं होती है, आप अच्छा नहीं लिख पाएंगे, स्लिप करेगा ना हैंड राइटिंग आपका, और ये जो जिसमें एफर्ट लगता है ये आपका हाथ पर पकड़ मजबूत, उस पर आपका पकड़ मतलब इम्प्रूव करता है आपका पेन पर जो ग्रिप होता है उसको, आपका आर्ट डेवलप करता है। इस पेन से और उस पेन से हाँ हम अंतर देखें, ये पेन जैसे कि एक घंटा का अगर मान लीजिए हम 100 वर्ड लिखते हैं तो इस उससे एक घंटा 100 लिखते हैं, इससे हम 80 कम ही लिखिएगा, कम ही लिखिएगा शुरू में, अभी जब तक उस पर आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ है, प्रैक्टिस एक बार जब कर लीजिएगा तो हो सकता है उससे भी ज़्यादा लिख लीजिएगा, वो पेन धीरे धीरे स्मूथ होता जाता है घी लिखते लिखते स्मूथ होता है। हाँ नहीं हाथ भी बैठता है, घिसता है नहीं उसका, कैसे जूता नया लाते हैं तो काटता है कुछ दिन फिर वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि वो घिस के घिस के कहीं कहीं जहाँ से आपका पार्ट होता है पैर का। हाँ हाँ चेंज करना पड़ेगा उसको, घिसता है ना तो वो लिखते लिखते घिसता चला जाता है और स्मूथ होता चला जाता है, इसलिए उसको लिखने आप डिपेंड करेगा, जितना लिखिएगा उतना ही चिकना हो जाएगा, और नहीं लिखी रहेगा तो फिर लिखिएगा बहुत दिन बाद तो चलेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन हम देख रहे हैं कि द रेजिस्टेंस टू मोशन इज कॉल्ड रोलिंग, जब कोई बॉडी रोल कर रही होती है दूसरे सरफेस पर उस समय जो रेजिस्टेंस होता है मोशन में उसको हम क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। और आपको बताया कि रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ठीक है लिखिए, इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल दैन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर, फुल स्टॉप। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द व्हील इज सेड
द व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ मैनकाइंड. ठीक है, क्वेश्चन मार्क. तो आज देखिए, बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, कहा जाता है कि व्हील वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड. आदमी ने जब पहिए का आविष्कार किया, उसको समझा, उसके इस्तेमाल को, इट वॉज. तो आप समझ नहीं सकते आज, कल्पना नहीं, क्योंकि आज आप बहुत ही अलग समय में रह रहे हैं, अलग माहौल में रह रहे हैं. टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप्ड है, ह्यूमन माइंड बहुत डेवलप्ड है, कि व्हील के आविष्कार से कितना आराम हुआ होगा लोगों को. कितना बोझ जो घसीटना, कैरी करना पड़ता था लोगों को, पहले सारा काम तो मैनुअली होता था. सारा बोझ, हर चीज आदमी को और करना पड़ता था. और वहां समझिए कि जो भी लोड उठाना है, ले जाना है कोई भी चीज, तो उसमें कितना एफर्ट लगता होगा, और व्हील के आने से कितना एफर्ट कम हो गया. कोई भी चीज लाना है तो उसको उठा के लाना पड़ता था. समझ लीजिए, आज उठाने कह दीजिए किसी को, तो उसको समझ में आ जाए कितना खाया पिया. तो हर चीज उठा के लानी पड़ती थी, हल्की से हल्की, भारी से भारी. कोई भी काम है, सब उसका वेट के अगेंस्ट ही ना, आप कोई भी चीज उठाते हैं, रखते हैं, करते हैं, तो कितना वेट उसमें लगता है, कितना फोर्स लगता है. और व्हील का इन्वेंशन से कितना ज्यादा राहत मिल गया लोगों को. तो इसलिए व्हील जो है, एक समय कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, कि इट वॉज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड. क्योंकि आदमी का एफर्ट को कम कर दिया, बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ा दिया. अब क्या है, जो बोझ आप उठा के लाते थे, अगर कहा जाए कि 50 किलो कहीं से उठा के लाओ, बेचारा धीरे धीरे दिन भर में लाएगा. और व्हील के इन्वेंशन से अगर उसको ठेला दे दिया जाए तो आधा घंटा में ले आएगा. तो स्पीड इतना बढ़ गया कामकाज का, व्हील खुद ही नहीं घुमा, आदमी के कामकाज के स्पीड को भी घुमा दिया तेजी से. तो तेजी से काम होने लग गया. जो काम पहले महीनों दिनों में होता था, वो काम घंटों में होने लग गया. समझ गए. और उसके बाद फिर इंजन, इंजन हुआ तो और तेज कर दिया हर चीज को. तो व्हील जो है, इतना एफर्ट कम कर दिया. आप आज कल्पना, क्योंकि आपने वेट नहीं उस तरह से फील किया कि कितना बोझ होता है और हर काम में कितना एफर्ट लगता है. तो इसलिए व्हील ने मानव जाति की इतनी बड़ी समस्या को दूर किया, उसके मेहनत को इतना कम किया कि उसको एक ग्रेटेस्ट इन्वेंशन आज तक माना जाता है व्हील. तो ये समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन के कारण रिड्यूस करना, फ्रिक्शन को, किसी चीज को उठा के लेंगे, बोझ, थकान. आज देखिए, कहा जाए पहले क्या है कि पालकी जो एक पहले उठा के ले जाता था बोझ, पालकी ले जाता था उठा के, किसी को ले जाना रहता था. तो समझिए कि किसी को उठा के वैसे ले जाना हो और उसको रिक्शा दे दिया जाए उसको बिठा के ले जाने के लिए, कितना उसको बोझ कम हो गया. सोचिए कि उसका मेहनत कितना कम हो, कितना उसको सुविधा हुआ मेहनत से, कितना बचा उसका मेहनत. उसी को आप फिजिक्स में सब सिंपल मशीन, लीवर, ये सब शायद पढ़े होंगे. एफर्ट रिड्यूस करता है. आप कुआं, लीवर, पुली, ये सब जो पढ़े होंगे, लीवर, पुली, कि आपको कुएं से कहा जाए पानी खींचने, महिलाएं परेशान रहती थी गांव में, और उसकी जगह फिर आ गया वो चक्के वाला जो है पुली, उसमें खींचने वाला, तो कितना आसान हो गया पानी भरना, करना हर काम करना. ठीक है, तो वहां है कि सारा, आइए, रोलिंग फ्रिक्शन वहां होता है. रोलिंग फ्रिक्शन आपको पता है कि बहुत ही कम होता है. लिखिए, सिंस, नेक्स्ट पैराग्राफ, सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन, सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन comma, sliding is replaced
placed in most machines by rolling by the use of ball bearings BEARINGS ball bearings between hubs 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 and axles AXLES axle, ठीक है। देखिए साइकिल चलाते हैं, साइकिल आप देखे हैं जो उसका पैडल होता है चलाने वाला, तो जो उसमें देखते होंगे अगर पैडल, एक अंदर एक रॉड होता है उसमें कसा रहता है, समझ गए? हाँ, तो जो अंदर रॉड होता है उसको एक्सल कहते हैं, हाँ समझ गए, और जो बाहर उसमें कसा रहता है, फिट किया रहता है, वो हब कहा जाता है। तो हर मशीन में ऐसे ही होता है, लगभग बहुत सी मशीनों में, तो जो अंदर का पार्ट होता है जिसके चारों ओर घूमता है, जिस पर कसा जाता है, उसको एक्सल कहा जाता है, जो रॉड होता है, रॉड जैसा कुछ बना रहता है, और उसमें जो उसमें लगा रहता है अलग से मूविंग पार्ट, जैसे कि देखिए आपका बाइक में भी रहता है, तो बाइक में रॉड नहीं रहता, अंदर रहता है उसके ऊपर चेन से, वो फिर घूमता है, हाँ, तो वो अंदर जो हो गया वो जो जो फिक्स रहता है घूमता है जिसके चारों, तो वो होता है एक्सल हो गया, उसके ऊपर ही हो गया हब, अलग अलग तरह से बनाया रहता है। सब जगह कोई भी मशीन होगा उसका डिजाइन अलग खाली हो सकता है, जैसे जनरेटर में देखते हैं बड़ा सा एक पहले लोहे का निकला रहता था, है ना, वो एक्सल हो गया, हाँ वो एक्सल होता है, उसके चारों जो होता है हब। तो इस तरह से क्या होता है कि आपको बताया कि हर मशीन में जो स्लाइडिंग से, क्योंकि स्लाइडिंग में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं कि स्लाइडिंग की जगह रोलिंग फ्रिक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और कैसे करते हैं, जो स्लाइडिंग का मोशन होता है उसको हम रोलिंग का मोशन बना लेते हैं, कैसे, बॉल बियरिंग्स का इस्तेमाल करते, बॉल बियरिंग। अब ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमें मूव करना है, तो ऐसे मूव करेंगे स्लाइडिंग होगा, और अगर इन दोनों के बीच में गोल बॉल बियरिंग डाल दें तो क्या होगा, देखिए क्या करते हैं कि ये देखिए, ये मान लीजिए एक सरफेस है और इसके ऊपर ये दूसरा है, या ऐसे मूव कर, अब ये मूव करना है तो ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, इसके बीच में हम क्या करते हैं, बॉल बियरिंग्स डाल देते हैं, इस तरह से बॉल बियरिंग हो गया, बीच में आ गया डिजाइन उसका जो रहा, हम पेन को दिखा रहे हैं आपको करने के लिए, अब इन दोनों के बीच में बॉल बियरिंग आ गया, तो ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, जो स्लाइडिंग था वो रोलिंग बन गया, इजिली हो रहा है ना, तो अब स्लाइडिंग की जगह रोलिंग में कन्वर्ट हो गया, ये स्लाइडिंग की जगह रोलिंग में कन्वर्ट, तो यही बॉल बियरिंग इसी तरह काम करता है, अगर ये एक पेन रहता खाली तो यही बियरिंग है, समझ गए, यही जो है ये एक पेन समझ लीजिए बियरिंग है, और इसके ऊपर ये स्लाइडिंग की जगह रोलिंग से आसानी से मूव कर रहा है, बहुत ही कम फोर्स में और फास्ट, इसी तरह से, तो बियरिंग्स का इस्तेमाल इसी तरह से होता है हर मशीन में, बियरिंग्स जहां हमको ऐसे सरफेस पर अगर ये मूव करता तो घिस के गर्म हो जाता और गर्म होके डैमेज भी करता, आग कुछ भी हो सकता था, तो हम क्या करते हैं, मूविंग सरफेस के बीच में बियरिंग डाल देते, और वो बियरिंग डालने से मूवमेंट बिल्कुल आसान हो जाता है, कोई फ्रिक्शन नहीं रहता है, तो इस तरह से बियरिंग हम डाल के स्लाइडिंग को रोलिंग मोशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर हो गया, आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा दिया, तो इसीलिए इतना ज़्यादा हर चीज़ में बियरिंग्स का इस्तेमाल होता है, हर मूविंग चीज़ में बियरिंग्स का इस्तेमाल होता है, बॉल बियरिंग्स। तो वही आपको लिखाया कि स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स, ठीक है। इसमें क्या लिखे हम लोग, सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड
एक्सिल्स ऑफ, हाँ एक्सिल्स फुल स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल फैंस, बाइसिकल्स. अब जैसे आपने फैन देखा होगा, ये जो सीलिंग फैन है टंगा हुआ है, तो इसमें आप देखते हैं ऊपर लोहे का रॉड जैसा निकला रहता है, हाँ, तो वो जो होता है वो एक्सल का काम करता है, और उसके चारों ओर जो बेयरिंग के से कसा होता है वो हो गया हब, और दोनों के बीच में होता है बेयरिंग. समझ गए? एक्सल हो गया बीच में, उसके चारों ओर हब हो गया, बीच में रहता है बेयरिंग, तो उससे वो जो स्लाइड करता है उसकी जगह हब रोल करने लगता है, इसलिए मूवमेंट आसान हो जाता है. नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्लूइड फ्रिक्शन, FLUID, फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्लूइड का क्या होता है? फ्लूइड का क्या मतलब होता है? हाँ, एक्चुअली सही वर्ड जो है वो फ्लूइड होता है, सॉलिड फ्लूइड होता है, सॉलिड होता है या फ्लूइड होता है, ये सब नहीं, लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड के ही अंदर में आते हैं. देखिए, जो शुरू में बांटा गया चीजों को, तो इस तरह से बांटा गया, ऐसी चीजें जो बहती हैं या नहीं बहती, नहीं बहती है तो सॉलिड हो गया, जो बहती हैं वो फ्लूइड हो गया. बहती है गैस, कोई भी चीज जो बहती है. उसके बाद अब हम लोग बांट दिए उसको कि सॉलिड लिक्विड गैस की, मतलब इजी में बोला, और हाँ ठीक है. फ्लूइड का मतलब एनीथिंग दैट फ्लोज, एनीथिंग दैट फ्लोज इज फ्लूइड. तो फ्लूइड फ्रिक्शन अब हम देख रहे हैं. अभी तक हमने सरफेसेस में पढ़ा फ्रिक्शन, सरफेस के ऊपर जो फ्रिक्शन होता है उसमें हमने देखा स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि सरफेस के ऊपर यहां मूवमेंट हो रहा है. अब हम देखेंगे जहां मीडियम में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, खास करके मीडियम में, तो सॉलिड में तो मूव नहीं कर पाइएगा, है ना, उसके लिए तो सुपरमैन वगैरह बनना पड़ेगा कि भाई दीवार में से भी पार हो जाए, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे. तो हम लोग कर सकते हैं ऐसे मीडियम फ्लूइड्स में से कर सकते हैं, एयर हो या लिक्विड हो, तो फ्लूइड फ्रिक्शन. सर, कोई कांच अगर है, उससे तो पार हो सकते हैं? कांच से कैसे पार हो जाएगा? कांच से पार हो जाएगा मतलब नहीं समझे. कांच में शीशा लगा है, हाँ, उससे तो इजीली में पार हो सकते हैं, वो तो सॉलिड है. कांच से कैसे पार हो जाता है? पतला अगर है तो, पतला रहे मोटा रहे कैसे कांच से पार हो जाएगा? तोड़ के, ओके, ऐसे जाएंगे. अरे तोड़ के जा रहे हो तो उससे आप बिना तोड़े थोड़े पार हो रहे हैं, वो थोड़े रह रहा है, जब टूट जा रहा है तो आप हवा में से ना पार हो रहे हो, ये थोड़े है कि आप उससे आर पार वैसे ही हो जा रहे हो जैसे हवा से हो जा रहे हो. हाँ, वो अलग चीज हो गया तोड़ने का, वो तो आप भारी को भी तोड़ दीजिए, वो अलग चीज है. सनी देओल है तो मोटा शीशा से ही पार हो जाएगा, ठीक है, वो अलग चीज है. हाँ, फ्लूइड फ्रिक्शन लिखिए. एयर इज वेरी लाइट एंड थिन. एयर देखिए क्या है, एयर बहुत ही थिन, मतलब बहुत हल्का. थिन का मतलब यहाँ गाढ़ा और पतला से, गाढ़ा पतला समझ रहे हैं ना, हाँ. तो हवा जो है तो हल्की होती है और पतली होती है. आप देखिए हर पल सांस लेते हैं, आपको लगता है कि कुछ अंदर ले रहे हैं, कोई चीज ले रहे हैं? नहीं लगता है, बस हाँ सांस ले रहे हैं, कुछ तो जा नहीं रहा, कुछ आ नहीं रहा. हाँ, जोर से लेने में एफर्ट के कारण पता चलता है, एफर्ट के कारण. तो एयर इज वेरी लाइट एंड थिन.
अब आपको कहा जाए कि पानी में सांस लिए तो दिक्कत होता है, शहद में कह देगा सांस लेने ले पाइएगा, दम घुट के मर जाएगा आदमी का, तो क्योंकि वो गाढ़ा है, क्योंकि वो गाढ़ा है। पानी फिर भी चला जाता है तो क्या आदमी उसको बर्दाश्त कर लेता है, कई बार पानी चला जाता है फेफड़ों में हमारे सांस लेने में, नहा रहा है या ये कर रहा है, फिर वो निकल आता है, निकाल देते हैं हम उसको, शहद चला जाएगा बर्दाश्त होगा, उसका दम घुट के मर जाएगा। तो यही थिन कहा जा रहा है कि एयर इज वेरी लाइट एंड थिन, लिखिए येट, येट इट एग्जर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स, इट एग्जर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट। Moving through it. Full stop. Similarly, water and other liquids exert force of friction exert EXERT, exert क्या लिखे हैं स्पेलिंग, हाँ, exert force of friction when objects move through them, full stop. In science, comma, gases and liquids are commonly known as fluids. Full stop. So we can say comma, fluids exert force of friction on objects in motion through them. Full stop. The frictional force exerted by fluids is also called drag, DRAG, ठीक है, full stop. देखिए ऊपर जो लाइन लिखा कि fluids exert frictional force, ये लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए पूरा और ड्रैग को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो यहां हमने देखा कि साइंस में मैंने बताया आपको कि जो चीजें फ्लो करती है उनको फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है। तो चीजें या तो रिजिड होती हैं या फ्लूइड होती हैं, यानी कि चीजें या तो ऐसा अगर स्थिर होगा आप उसको खींचिएगा वो खिंचाएगा नहीं, हाँ रिजिड मतलब कड़ा, जो हिले नहीं अपनी जगह से, जैसे कि आप अब ये फिक्स है इसको खींचेंगे तो खींचा जाएगा नहीं, लेकिन अगर आटा है आटा को खींचिएगा तो खींचा जाता है। तो ऐसी चीजों को जो होते हैं जो रिजिड होता है, जो अपने ऑब्जेक्ट अपना शेप नहीं चेंज करता है, या और जो चीज मूव कर जाता है या शेप चेंज कर जाता है, ऐसी चीजों को हम फ्लूइड कहते हैं, तो गैसेज और लिक्विड। तो हमने देखा कि फ्लूइड्स जो है यानी कि एयर जैसे गैस है या वाटर है,
इन चीजों में से हम मूव करते हैं तो भी ये फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं, कम लगता है लेकिन लगता है, और अगर स्पीड बढ़ेगा तो उसका और बढ़ता जाता है। तो हम इसको लिख लिया हमने कि फ्लूइड्स एग्जर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू देम। ठीक है, फ्लूइड्स में से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं, और इस फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कहा जाता है? ड्रैग। ठीक है, ड्रैग से अब ध्यान रहेगा, कहीं ड्रैग लिखा रहेगा तो जैसे एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं तो इन पर एयर का ड्रैग लगता है कहते हैं, वो ड्रैग क्या है? बेसिकली द फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय एयर। या जब वाटर में शिप्स मूव करते हैं तो उन पर भी वाटर का ड्रैग लगता है, बहाव, हाँ वो बहाव लगता जो है किसके का, जैसे आप नदी के पानी में जाते हैं तो पानी आपको बहा के लगता है कि ले जाएगा, है बहा के ले जाने का लगता है ना, तेज धार होता है तो वो क्यों बहाव फील होता है आपको? वो उसी बहाव को ड्रैग कहा जाता है। हाँ, जैसे हरिद्वार वगैरह हम लोग नहाने जाते हैं, वहां लगता है अगर चेन छोड़ के नहाएंगे तो बह जाएंगे पानी के साथ, स्पीड में रहता है। तो वो जो बहाव हम महसूस कर रहे हैं पानी का, वो क्यों महसूस कर रहे हैं? फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि जो पानी हमारे से पार हो रहा है वो हम पर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, और वो फ्रिक्शन की वजह से वो फोर्स जो लगा रहा है वो हमें लग रहा है कि हमको बहा के ले जाएगा। हाँ, पानी का कांटेक्ट हो रहा है, फ्रिक्शन लगाएगा वो मूव करेगा तो एयर में भी है। हाँ, जब आप स्पीड तेज हो जाती है आपको लगता है हवा उड़ा के फेंक देगा पीछे, या साइकिल चला रहे हैं आपके खिलाफ है तो हवा की वजह से आपको चलाना मुश्किल हो जाता है, तो वो जो ड्रैग आप जो फोर्स फील करते हैं एयर का, उसको ड्रैग कहते हैं, चाहे एयर का हो या लिक्विड गैस वाटर का रहे किसी का, उसको ड्रैग। और वो ड्रैग किसकी वजह से, व्हाट इज दैट ड्रैग? दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि वो आप पर फ्रिक्शन अप्लाई करता है। समझ में आ गई? हाँ, फ्लूइड, अभी फ्लूइड का ही ना पढ़ रहे हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं ना, फ्लूइड में फिर अभी क्या बताया, अभी बैठा नहीं दिमाग में। नहीं, एयर का तो हमने स्टार्ट किया, वाटर अभी बोला ना, सब तो बता रहे हैं। हाँ, तो चाहे लिक्विड हो चाहे फ्लूइड को दिमाग में बैठा लीजिए वर्ड फ्लूइड, फ्लूइड मतलब जो बहने वाली चीज, चाहे वो लिक्विड हो या गैस, गलत इसलिए तो बता रहा है कि जिसने बताया उसने बताया नहीं ठीक से। फ्लूइड का मतलब है एनीथिंग दैट फ्लो, जो बहती है चीज, और बहने में फ्लो से बना है, हाँ जो फ्लो करता है, फ्लो से हो गया फ्लूइड, फ्लो का एडजेक्टिव बना दिए तो फ्लूइड हो गया। फ्लो से बना है फ्लूइड। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि कोई भी फ्लूइड से जब आप उसके उसमें मूव करते हैं तो वो फ्लूइड आप पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, उस फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कहते हैं? ड्रैग कहते हैं। तो मैंने एग्जांपल दिया कि जब आप हवा में चल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो आपको नॉर्मल स्पीड पर तो नहीं उतना इफेक्ट पता चलता है, लेकिन अगर हवा की तेज स्पीड हो जाए या आप तेज चल रहे हो, ठीक है, जैसे बाइक तेज चलाइए तो आपको फिर हवा का झोंका बर्दा वो लगेगा, महसूस होगा, नॉर्मल स्पीड पर नहीं महसूस होगा कि आदत हो गई होती है, तेज स्पीड पर चलाइए तो आपको हवा का फिर झोंक बर्दाश्त फोर्स लगेगा, फील होगा तरह, या अगर हवा ही तेज चल रही हो तब कम स्पीड पर भी महसूस होगा, तेज ज़्यादा हवा चलती है आप खड़े भी रहते हैं लगता है कि आपको उड़ा के फेंक देगा, गिरा देगा, तो वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कैसे कर रही है? बाय फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको कि हम ड्रैग कहते हैं। जैसे एरोप्लेन वगैरह उड़ता है तो डेली उनका डेटा होता है इतना ड्रैग है हवा का, उसके हिसाब से उनको अपना इंजन का पावर ये सब एडजस्ट करके उड़ना पड़ता है। जैसे आप अगर हवा चल रही होती है तो धीमा हो जाता है स्पीड, आपको अगर बाइक है तो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो तेज चलाना पड़ेगा साइकिल, है उसी तरह से। तो जो फ्लूइड्स का फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको क्या कहते हैं?
ड्रैग, ठीक है, लिखिए, द फ्रिक्शनल फोर्स, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड कॉमा डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, ठीक है, समझा देंगे, लिख लीजिए। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। बीपीएससी में चेंज हो रहा है, पढ़े? हाँ, एग्जाम पैटर्न पूरा चेंज होगा इस बार से, अभी जो होने जा रहा है एग्जाम, नहीं पढ़े? बहुत पूरा आर्टिकल है जी, पूरा चेंज होने जा रहा है, दो दिन एग्जाम होगा। हाँ, और उसमें आपको, अच्छा देखिएगा, पढ़ लीजिएगा, हम आर्टिकल भेज देंगे, डिटेल है पूरा। सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, लेकिन एग्जाम का और मार्किंग का तरीका सब बदल जाएगा। अच्छा ठीक, तो देखिए, हाँ, नेचर ऑफ द फ्लूइड, देखिए सिलेबस थोड़े बदलता है, सिलेबस नहीं बदलेगा, बीपीएससी का सिलेबस बदलने में शायद 30-40 साल बाद बदलेगा, ठीक है, पिछले इतने सालों से यही सिलेबस चला आ रहा है, 30-40 या उससे ज़्यादा साल। लड़ेगा, देखिए किसी का भी जो अगर आपको ठीक से पढ़ाएगा, जो आपको गाइडलाइंस को ध्यान में रख के कराएगा, ठीक है, हाँ, या मटेरियल वैसा करेगा तो उससे लड़ेगा। लेकिन बात ये देखिए, आप ये देखिए, मैं तो यही कहता हूँ, कहते हैं लोग, वो अलग बात है कि आखिर पूछेगा क्या, अरे जो घटा है, जो घटना है वही ना पूछेगा, जो इतिहास उसी में से ना पूछेगा क्वेश्चन। मैं आपको फिर बोलता हूँ, क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होता है किसी भी एग्जाम का, जो सिलेबस दिया है, जो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही पूछी जाती हैं। दिक्कत यह है कि लोग पढ़ते हैं उल्टे सीधे अप्रोच से और कुछ का कुछ पढ़ते रहते हैं, ठीक है, अगर सही तरीका से, अरे क्या पूछेगा, जो है पॉलिटी, जो है हिस्ट्री, जो ज्योग्राफी, वही ना पूछेगा जी, तो हाँ, करेंट अफेयर्स खास करके, कि करंट अफेयर्स में अब जो घटना घटेगी, कोई अपॉइंटमेंट हुआ कहीं का, कोई राष्ट्रपति बना, कोई ये बना, तो वही ना पूछेगा, क्या पूछेगा, जो उसके लिए सही, मतलब उसका गाइडलाइंस उस जॉब के हिसाब से है, थोड़े वाहियात चीज पूछता है एग्जाम में। ये बच्चों क्यों लगता है कि वाहियात चीज कुछ भी पूछ देगा, कुछ भी कर देगा, लेकिन उस सही वाहियात पढ़ाते हैं लोग, बहुत से वाहियात, बहुत से लोग उसको गाइड करते हैं गलत, हाँ, और इसकी वजह से होता है कि पढ़ाते कुछ है आता है कुछ, जो ठीक से किताब में देगा, करंट देगा, जो भी करेगा तो आएगा ही। और दूसरी बात है कि ये जो एडिटेरिया है सब इतना ज़्यादा दे देता है कि तो पूछेगा और क्या, बाकी क्या रह जाता है, तो कहाँ से आएगा सफा, अब डेली का आपको सब इम्पोर्टेंट काम दे दें बुकलेट बना के, तो आएगा किस में से, कोई दूसरा जगह कोई थोड़े नया चीज आता है क्या। चलिए आइए,
यहां जो है और करंट जो है, देखिए पढ़ाता कौन है, वो तो छाप रहा है बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट के लिए कि हमारा लड़ रहा है। हाँ, नेचर ऑफ द फ्लूइड। सो देखिए फ्रिक्शन, अभी आपको बताया कि किसी भी फ्लूइड में से जब कोई बॉडी मूव करेगा तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है वो फ्लूइड, उस फोर्स को क्या कहते हैं, ड्रैग। अब हम देखते हैं कि अभी जैसे आपको साइकिल और बाइक का मैंने एग्जांपल या गाड़ी का जो भी एग्जांपल लेंगे, हम देखते हैं कि अगर हम स्पीड बढ़ा रहे हैं गाड़ी का तो हम पर फोर्स ज्यादा फील होता है हमें, अगर हमारी स्पीड ज्यादा हो। दूसरी बात है अगर हम ही नॉर्मल स्पीड पर है लेकिन अगर जो मीडियम है वही तेजी से मूव कर रहा है, जैसे हवा का आंधी चल रही है, वैसे में आप गाड़ी चला के देखिए कितना फोर्स आपको फील होगा। ठीक है, ये तो एक बात हो गई, हवा जहां पर है एक मीडियम। अगर एक तरफ आप हवा में चल रहे हैं और दूसरी तरफ पानी में आपको कहा जाए चलने, आप ऐसे चल रहे हैं और फिर पानी में उतर के चलिए, देखिए आप जितना फ्रीली हवा में चल लेते हैं पानी में चल पाइएगा, नहीं चल पाए। हवा में आप दौड़ लेते हैं, पानी में कह दे दौड़ ले, दौड़ के दिखा दे कोई, पानी में दौड़ के दिखा दे, तो क्या हो जा रहा है कि किस किस, तो हमने देखा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है किसी बॉडी पर फ्लूइड, वो सबसे पहले तो उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड पर। तो जैसे मैंने कहा कि आप जो है जितना तेजी से किस, जैसे कि आप धीमे धीमे चल रहे हैं तो आपको हवा कुछ महसूस भी नहीं होता है कि हवा भी है आसपास। लोगों से कहिएगा कि आपके आसपास हवा है तो बहुत सारे लोग समझेगा कि हवा है, कुछ कहाँ कुछ है आसपास, हाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल तो खाली है। हाँ, आपको चारों तरफ से, आप हवा में चल रहे हैं, हवा में आपको घेरे हुए चारों तरफ से, ऐसा महसूस नहीं होता है। लेकिन जब आप तेजी से चलना शुरू करते हैं स्पीड में तो आपको लगता है कि कुछ लग तो रहा है, कुछ शरीर पर फोर्स फील हो रहा है। तो सबसे पहले जो आपको फ्रिक्शनल फोर्स वो स्पीड के कारण अफेक्ट करता है, बॉडी का जो स्पीड होता है ऑब्जेक्ट का वो उस पर डिपेंड करता है। दूसरा हमने क्या लिखा है इसमें कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो देखिए शेप पर डिपेंड करता है। देखिए कि आप एक बड़ा सा बोर्ड, हवा चल रहा है, आप उसमें बोर्ड लेके चलिए, उसमें लगेगा कि आपको उड़ा के लेके चला जाएगा। आप उसी बोर्ड को घुमा दीजिए और हवा के डायरेक्शन में कर दीजिए उसका, देखिए कुछ फोर्स नहीं लगेगा, आपको आसानी से लेके चल दीजिए, क्योंकि उसका शेप चेंज हो गया हवा के रिस्पेक्ट में। अगर हवा आ रहा था उसके सामने ऐसे परपेंडिकुलर था उसका, तो बहुत तेज झोंका लगता है, हवा का लगता है उड़ा देगा, आप उसको घुमा के ऐसे कर दिए, अब हवा का फोर्स लगेगा, बिल्कुल कम लगेगा, बहुत कम। तो यानी कि एक तो शेप पर डिपेंड करता है इसका फोर्स, और दूसरा नेचर ऑफ द फ्लूइड, जो फ्लूइड का नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हवा में चल रहे हैं आप और पानी में चल रहे हैं, और कह दिया जाए शहद में चल लें, शहद में चले हिल भी नहीं पाएगा, शहद में आप हिल भी, कभी मक्खी गिर जाए शहद में, देखिए मक्खी वक्खी गिर जाए शहद में, हवा में कितनी तेजी से उड़ती रहती है, पानी में भी किसी तरह हाथ पैर डोला के निकल जाती है, हाँ शहद में देख लीजिए गिर जाए तो, हाँ। तो आपको इसलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो नेचर ऑफ फ्लूइड पर भी डिपेंड करता है कि वो फ्लूइड जो है पतला है कि गाढ़ा है, जनरल टर्म्स में कहा जाए, ठीक है, इसको साइंस में हम कहते हैं विस्कस, विस्कस या डेंस, हाँ विस्कस और साइंटिफिक टर्म है उसका, VISCOUS, विस्कस मतलब गाढ़ा, इसी से विस्कोसिटी बनता है। तो जैसे कि आपको बताया कि हवा जो बहुत क्या लिखा है शुरू में, थिन, वेरी लाइट एंड थिन, डेंस, डेंसिटी, तो
हवा जो कि बहुत पतली है, हल्की है, उसमें आप आसानी से मूव कर लेते हैं, आपको बहुत फर्क नहीं चलता है। पानी जो कि थोड़ा गाढ़ा है, उसमें आपको बहुत प्रयास करना पड़ता है, इसलिए थक वहाँ हम हाथ पैर चलाने में तैरने में थकावट हो जाती है, लेकिन वहाँ भी अगर सही एंगल रहे तो कम हो जाता है थकावट। उसके बाद मैंने कहा जैसे आपसे हनी, हनी जो कि और ज़्यादा डेंस या विस्कस होता है, उसमें मूव करना और मुश्किल, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि जो ड्रैग फोर्स लगाता है जो फ्लूइड, किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। लिखिए सब पर डिपेंड करेगा ना, अभी तो समझाया आपको, एक तो है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड आपको समझा दिया कि आप बाइक चला रहे हैं, धीमे धीमे चल रहे हैं, आपको कोई फोर्स नहीं फील होता है, आप तेज स्पीड में जा रहे हैं तो हवा में से पार आप बढ़ रहे हैं तो आपको हवा का फोर्स बढ़ जाता है आपके ऊपर, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया ना, तो वो आपके स्पीड पर डिपेंड किया। दूसरा मैंने बोला शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप का उदाहरण आपको दे दिया कि कोई चौड़ी चीज है वो हवा के सामने से चल रही है धार में, हवा में, तो उसको फोर्स बहुत ज्यादा फील होता है, अगर वो अपना शेप चेंज कर दे। देखते हैं गाड़ियों का इंजन वगैरह आगे से क्यों झुका रहता है, कार वगैरह आगे से झुका हुआ क्यों बनाया जाता है, या ट्रेन्स भी, नया आप ट्रेन देखिएगा उसका इंजन आगे से झुका हुआ बनता है, हाई स्पीड ट्रेन सबका, इसीलिए क्योंकि वो जो ड्रैग फोर्स लगता है वो कम हो जाता है, प्लेन का भी यही रीजन है, आगे से जो है झुका रहता है नाक उसका, नोज। उसी तरह मछली, मछली का कैसे आगे मुंह रहता है, हाँ, तो उसी तरह हम लोग ये सब बनाते हैं ताकि उस पर ड्रैग फोर्स कम हो जाए। जितनी भी तेजी से मूव करने वाली चीजें हैं, जैसे कार है तो कार सब आगे से झुका, कार आगे से चपटा क्यों नहीं रहता है, इसी वजह से कार ज्यादा से ज्यादा, और हाई स्पीड जो कार चलता है कि तेज स्पीड से चलाना इस तरह का इस्तेमाल है तो उसको हम आगे से बिल्कुल चपटा कर झुका देते हैं उसका। ट्रेन है हाई स्पीड, प्लेन है, देख लीजिए प्लेन का डिजाइन देख लीजिए आगे से, तो शेप पर डिपेंड करता है। सीधा सीधी आपको इसका उदाहरण बोला कि आप एक छोटा सा बोर्ड ले लीजिए और उसी को आप हवा में लेके चलिएगा, आपको लगेगा कि उड़ा के लेके चला जाएगा, लेकिन वही आप जब हवा से घुमा दीजिए उसका डायरेक्शन तो आपको फोर्स कम, थोड़ा सा घुमाइएगा तो थोड़ा सा फोर्स कमेगा, थोड़ा सा घुमाइएगा और कम होगा और कम होगा और कम, बिल्कुल ऐसे हवा के डायरेक्शन में कर दीजिएगा तो आपको फोर्स ही नहीं महसूस होगा, ठीक है। तो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया, आपको यही ज्योग्राफी में बताया था कोनिकल शेप ऑफ ट्रीज, अगर ऐसे रहेगा तो बर्फ का वेट लगेगा तोड़ के गिरा देगा सब, इसीलिए जो जहां बर्फ गिरती है वहां मकान भी बनाए जाते हैं, और ट्रीज कैसे होते हैं कोनिकल, ताकि उस पर आसानी से स्लाइड कर जाए, तो वहां भी यही है, वो गिरता है तो फोर्स ही ना लगाता है वो, चाहे फ्रिक्शन का हो या ग्रेविटी का फोर्स, ठीक है, दोनों लगता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं, तो शेप ऑफ ऑब्जेक्ट हमने देख लिया, और थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ द फ्लूइड, नेचर कैसा फ्लूइड है जिसमें से आप मूव कर रहे हैं। मैंने केस बताया आप हवा में चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, पानी में चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, और हनी में या ऑयल में आप चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं। आप देखिए आपको कुछ मिलाना, जैसे कि आपको पानी में चीनी घोलना है, तो पानी में आसानी से आप चम्मच हिला के चीनी को मिला लेते हैं, आप तेल में वैसे चम्मच हिला के देखिए आपको घूमेगा लेकिन ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, शहद में वैसे मिला हिला के तेजी से देख लीजिए तो चम्मच जरा नहीं हिलेगा जो, ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा विस्कस, बहुत ज्यादा डेंस होता है, तो कौन सब सब लिक्विड है, सब फ्लूइड है, लिक्विड कहिए चाहे फ्लूइड कहिए, गैस नहीं है तो लिक्विड ही ना है, तो अपने तो उसके बाद ग्रीस की अगर हम बात करते हैं सब लिक्विड है,
अब उसका अलग अलग स्पेशलाइज्ड नाम हो जाता है, छोड़िए फिर हमको एडवांस केमिस्ट्री नहीं पढ़ाना है। तो ये समझिए कि दे आर ऑल फ्लूइड्स, क्योंकि जो सॉलिड नहीं है तो वो फ्लूइड है, ठीक है। तो फ्लूइड्स जो है वो उनका नेचर पर भी डिपेंड करता है किस तरह का है। तो इसीलिए आप हवा में आसानी से कोई भी, क्योंकि हवा का फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम होता है, पानी का फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए पानी में आपको चलना बढ़ना मुश्किल हो जाता है, हैं? वहां भी आप तैरते हैं तो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इस तरह से मछली की तरह अपना शेप रखना जिससे कम फ्रिक्शन लगे, समझ गए। देखते हैं नाव वगैरह सब कैसी बनी रहती है, आगे से सब पतली बिल्कुल नुकीली रहती है, नाव आगे से चौड़ा रहे वो चल पाएगा पानी में, हिल भी नहीं पाएगा, तो इसलिए उसको पतला अलोंग द डायरेक्शन फ्लो वो चलाया जाता है पानी के धार अगर चल रही हो तो, जिससे कि नहीं तो पानी के धार के खिलाफ चलेगा तो पानी उसको बहा के लेके चला जाएगा। ठीक है, देखिए लिखिए इसको फ्रॉम नेचर, इसी हाँ फ्रॉम नेचर बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम फुल स्टॉप। दैट इज व्हाई देयर बॉडीज have evolved evolved to shapes which makes them lose less energy, देखो lose प्रोनाउंस करते हैं ये LOOSE, lose भी होता है और lose भी होता है, इन दोनों का स्पेलिंग मतलब अलग हो जाता है। इसका मतलब होता है त्यागना, हाँ, और एक lose होता है ढीला, LOOSE जो होता है। खैर चलिए, तो देम हाँ lose less energy in overcoming friction overcoming friction। तो देखिए आप देखते हैं कि चिड़ियों को उनका by nature है कि उनको हवा में move करना है, या बहुत सी चिड़ियों को पानी में भी चल होती हैं, चिड़िया बत्तख ये सब, और जो है फिशेज जो हैं उनको तो पानी में ही मूव करना होता है, तो इसीलिए उनका ऐसा शेप हो गया है हजारों लाखों सालों में, इस तरह का शेप एक्वायर कर लिया है या होता है, हाँ इस कारण। तो इसलिए ऐसा शेप उनका हो गया होता है कि जिसके वजह से उन पर फ्रिक्शन कम अप्लाई हो, चाहे एयर का या वाटर का, और उससे उनका एनर्जी उस फ्रिक्शन के ऊपर जीतने में कम एनर्जी लगे, क्योंकि आप मूव करिएगा तो आपको फ्रिक्शन के ऊपर जीतना पड़ता है, उस फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तो आपको इसमें एनर्जी आपका लूज होगा, जब फोर्स यूज करिएगा तो एनर्जी खत्म होगा आपका। तो ऐसा शेप उनका हो गया होता है कि जिसकी वजह से उनको फ्रिक्शन फोर्स कम लगे, और इसलिए उनका फ्रिक्शन पर एनर्जी इस्तेमाल कम हो, कम फ्रिक्शन। तो देखिए उनका चिड़ियों का शेप होता है चिड़िए के ही शेप में, देखिए प्लेन का भी डिजाइन वैसे ही बना रहता है चिड़िया जैसा, और फिशेज का भी उस तरह का शेप रहता है वैसा ही, ताकि उनको जो है फ्रिक्शन कम से कम लगता है, आगे से पॉइंटेड होता है। आगे लिखिए इसमें इनफैक्ट
व्हीकल्स ऑल व्हीकल्स कॉमा एरोप्लेन्स आर डिजाइंड लाइक शेप ऑफ अ बर्ड shape of a bird to reduce fluid friction इसीलिए देखिए जो लोग देखिए यहां पर अब shape पर आपको बता रहे थे ना तो bike वगैरह का race अगर देखे होंगे कभी गाड़ी टीवी वगैरह में कहीं बाइक का जो रेस होता है तो उसमें देखिए जो बाइक चलाते हैं वो बिल्कुल आगे झुक जाते हैं नॉर्मल की तरह उठ के बाइक नहीं चलाते हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं या जब हम दौड़ते भी हैं तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं दौड़ने में तेजी से दौड़ना है तो ऐसे खड़े खड़े क्यों नहीं तो खड़े खड़े दौड़ते हुए देखे कभी रेसर को किसी को नहीं आगे की ओर वो झुका रहता है इसीलिए झुका रहता है दो कारण से एक तो आगे की ओर झुका रहता है तो जो जमीन पर भी उसको एंगल मिलता है धकेलने में और दूसरा आगे से जो फ्रिक्शन लगता है इसीलिए कहा जाता है ट्रेनिंग में सिखाया जाता है जो अच्छे एथलीट होते हैं तो वो अपने आप को झुका के रखते हैं ताकि हवा का फ्रिक्शन उन पर कम लगे अगर सीधा छाती फैला के दौड़ेंगे तो ज़्यादा उन पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो स्पीड कम हो जाएगा तो ये भी एक टेक्निक होता है सिखाया जाता है तो जो एथलीट्स होते हैं कई तरह का दौड़ भाग का जो काम करते हैं दौड़ने का या जंप हाई स्पीड में जंप करना आगे की ओर झुकते हैं जंप वगैरह भी करना रहता है वो भी आगे झुकते हैं तो इसलिए एयर का उसमें फोर्स या ड्रैग कम लगता है ठीक है तो जो भी गाड़ियां हैं या एरोप्लेन्स हैं या हाई स्पीड मूविंग कोई भी चीज़ हो आजकल मोनो रेल आ गया है बॉम्बे में कहीं कहीं जो है या मेट्रो ट्रेन है या और भी बहुत सारा चीज़ है तो मोनोरेल है कि जो एक ही दो डब्बा रहता है बस और वो बहुत हाई स्पीड से मूव और लटका उल्टा रहता है लटका हुआ उसमें पटरी ऊपर रहता है लटका उसमें नीचे रहता है हैं झूला नहीं है मेट्रो की तरह ट्रेन होता है हाँ चाइना में चल रहा है खूब या इंडिया में भी लाने का चल रहा है एक आज बॉम्बे में कहीं शुरू किया है लेकिन वो चूंकि थोड़ा महंगा है और उसका बनाने का टेक्निक सब नया है तो धीरे धीरे आ रहा है मोनोरेल कहते हैं उसमें एक ही पटरी रहता है और उस पर फंसा रहता है ऊपर से ऐसे और नीचे चेन नहीं रहता है वो तो आप वो कह रहे हो रोपवे सब रहता है वो नहीं रहता है उसमें ऊपर उसका लोहे का ऐसे जाम उसमें फंसा रहता है और उस पर हाँ कहीं देखे होंगे हाँ उल्टा रहता है वो तो सुविधा रहेगा ट्रेन उल्टा रहता है ऐसे ट्रेन ऊपर रहता है ना नीचे पटरी रहता है पटरी ऊपर रहता है ट्रेन नीचे रहता है और वो स्लाइड करता है वो फिर वैसे ही हवा में स्लाइड करता है मैग्नेटिक इफेक्ट से तो ये सब जो है आपका इसका जो शेप है वो इस तरह का डिजाइन उसको स्ट्रीमलाइंड शेप भी कहते हैं लिख लीजिए इसको स्ट्रीमलाइंड ब्रैकेट में जो शेप है ये सब का हाँ जो बर्ड की या फिश की तरह शेप होता है इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन स्ट्रीमलाइन एल आई एन एक ही वर्ड है LINE हाँ ठीक है अंडरलाइन कर लीजिए इसको बोलते हैं जो मछली का जो आकार होता है ना बिल्कुल एक स्मूथ इस तरह से आगे से झुका हुआ या जो इंजन है वो आगे की ओर इस तरह से झुका रहता है इसको या प्लेन जो है देखते हैं तो ये सब स्ट्रीम लाइन शेप कहा जाता है तो स्ट्रीम लाइन आएगा तो कंफ्यूज है क्या स्ट्रीम लाइन है और स्ट्रीम लाइन किस लिए होता है ताकि फ्रिक्शन कम किया जाए ठीक है तो इस तरह से ये आपका फ्रिक्शन का टॉपिक खत्म हो गया ठीक है तो फ्रिक्शन का हमने देख लिया फॉर्म्स कई तरह का सॉलिड सरफेसेस के ऊपर फ्लूइड्स का फ्रिक्शन देख लिया उसके एप्लीकेशन सब फ्रिक्शन का टॉपिक आपका यहाँ खत्म हो गया।